आज की सभा में उपस्थित सभी रंगकर्मियों, सिनेकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और साहित्य कला प्रेमियों का स्वागत है। शिवकांत का नमस्कार और सानिध्य के संवाद 6 में आपका स्वागत है। आज के हमारे सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय राणा, बीबीसी के पूर्व रेडियो संपादक, वृत्तचित्रकार और बहुत गहरी रुचि रखने वाले साहित्य में साहित्य में और इतिहासकार। आज के हमारे प्रमुख मेहमान हैं अतुल तिवारी, जिनका कृतित्व और कलेवर बहुत ही विशद और विविध है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के स्नातक, नाटककार, रंगकर्मी, सिनेकार और अभिनेता और सबसे बढ़ के पट कथाकार, जिससे कि आप साहित्य और संचार के सबसे सशक्त माध्यम सिनेमा के बीच का सेतु कह सकते हैं। अतुल जी ने संस्कृत के शास्त्रीय नाटकों और हिंदी के आधुनिक नाटकों के अलावा विविध भाषाओं में शेक्सपियर, शिलर, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, गेटे, ब्रेख्त और डेरियो फो जैसे नाटककारों के नाटकों के विश्व भर में 30 से अधिक मंचन किए हैं। 2 दर्जन से अधिक नाटकों का हिंदी में रूपांतरण भी किया है। मौलिक नाटक लेखन की बात करें तो श्री श्री 420 उनका सबसे नया नाटक है, ताऊस चमन की मैना, एक गुड्डा था एक गुड़िया थी, काफी चर्चित रहे हैं। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, विनोद चोपड़ा, दीपा मेहता, गिरीश कासरवल्ली, कमल हासन और सुधीर मिश्रा जैसे फिल्म निर्देशकों के लिए पटकथा लेखन कर चुके हैं और जिन फिल्मों का लेखन उन्होंने किया है उनमें प्रमुख है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द्रोहकाल, मिशन कश्मीर, आपने देखी होगी ज्यादातर लोगों ने, फायर, एक घर, विश्वरूप और ये वो मंजिल तो नहीं और धरा भी। टेलीविजन धारावाहिकों की बात करें तो भारत एक खोज, कब तक पुकारूं और संविधान, जो कि शायद अभी उसका जो है कोई ना कोई कड़ी उसकी चल भी रही है, जीवनी फिल्में बनाई हैं, महात्मा गांधी और भारत छोड़ो पर, शहीद ऊधम सिंह पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, भास्कराचार्य पर, गोस्वामी तुलसीदास पर, इसकी कल विजय राणा जी के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे। और आपने इसके अलावा अभिनय किया है कुछ जानी मानी फिल्मों में जैसे 3 इडियट्स है, आक्रोश, पीके, मुल्क, विश्वरूपम और संविधान। इसके अलावा प्रदर्शनी कथा कर्म, मल्टीमीडिया शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, रंगकर्म, सिनेमा, पटकथा लेखन और इतिहास, ये सब पढ़ाते हैं, लेख लिखते हैं। तो इतने विविध आयाम हैं इनके कृतित्व के, बहुत ही विशिष्ट आज के हमारे मेहमान हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे साउथ एशिया सिनेमा फाउंडेशन SACF और सानिध्य के संस्थापक निदेशक और ब्रितानी सिनेमा प्रेमियों का सार्थक भारतीय सिनेमा और सिनेकारों से संवाद कायम करने वाले हमारे साथी ललित मोहन जोशी। ललित जी सिने इतिहासकार हैं, वृत्त चित्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, पूर्व बीबीसी पत्रकार हैं, कवि हैं और समालोचक हैं। तो दोनों की जोड़ी बराबर की है, रंगकर्मी मेहमान है, रंगकर्मी उनसे संवाद स्थापित करने वाला है। तो ललित जी शुरुआत कीजिए, मैं अब आपके सुपुर्द करता हूं हमारे विशेष मेहमान से बातचीत शुरुआत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी इस बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सार्थक इंट्रोडक्शन के लिए, परिचय के लिए, अतुल जी के परिचय के लिए जो कि हमारे एक दशक से भी अधिक समय से मित्र रहे हैं, पारिवारिक मित्र रहे हैं। इसके पहले कि हम अतुल जी को औपचारिक रूप से इनका स्वागत करें, हम लोग एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे एक शोरील देखेंगे जिससे आप सबको एक झलक मिलेगी अतुल जी की छवि की, उनकी अभिनय क्षमता की और जिन लोगों के साथ वो संबद्ध रहे हैं उनकी भी। मैं अपने सहयोगी विकल्प पांडे से अनुरोध करता हूँ जो कि नैनीताल से इस शोरील को चलाएंगे, यानी कि लंदन, दिल्ली, नैनीताल और सारे भारत और दुनिया से लोग अतुल जी के इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो विकल्प आप कृपया इस शोरील को चलाएं। धन्यवाद।
कैसे बता सकते हैं, आपको काम हो जाए रास्ता दो ना। अरे लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? लाइन मत रोकिए आप, आगे चलिए। अरे हम आगे निकल गया और हमारा सामान वहां किसी और को थमा दिया तो पीके है का? आइए निकलिए ऐसे, चलिए चलिए। इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया, इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे आदरणीय मंत्री जी। नमस्कार, आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी। धन धन स्तन ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। तुम्हारे पास सर, I want all minorities to have an honorable place in the Union of India. I want to have full opportunity for self-realization and self-fulfillment. I want this synthesis of culture, fully maintaining the principles of equality, liberty, and fraternity. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूं सुभाष। फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखते हैं, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद विकल्प, आपने इस शोरी को बहुत ही अच्छी ढंग से वहां से चलाया। और मैं अब स्वागत करता हूं अतुल तिवारी जी, आपका स्वागत है आपका। बताइए आप कैसे हैं? ललित भाई बिल्कुल अच्छा हूं। इस एनस हॉरिबलिस जो है 2020 का, उसमें भी अभी तक जिंदा हूँ, अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ और अभी तक ठीक ठाक भी हूँ। तो ये तो वर्ष ऐसा बुरा रहा है पूरी दुनिया के लिए, आप लोगों के लिए भी लंदन में। अब तो हम लोग विश्वगुरु हैं तो आपसे आगे निकल चुके हैं संख्या में लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हैं। और बहुत से दोस्तों को इस साल में खोया है, चाहे वो ऋषि कपूर जी हों, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे और जिनके साथ मुल्क में हमने काम भी किया, चाहे इरफान खान हमारे जूनियर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, आज बहुत लोग आपने जमा किए हैं, हम सबके साथ ही अभिनेता रहे हों, चाहे और तमाम नाम रहे हों, चाहे सुशांत सिंह की आपने एक तस्वीर देखी थी अभी थोड़ी देर पहले जब आपने, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने छोटी सी ये मेरे काम के ऊपर एक चीज दिखाई, उसमें भी आपने सुशांत के साथ भी देखी थी, देखी होगी एक तस्वीर मेरी। सुशांत ने अपना करियर मेरे साथ शुरू किया था थिएटर में, उसके पहले उसने कभी कोई चरित्र मंच पे नाटक का प्ले नहीं किया था, वो बैकग्राउंड डांसर हुआ करता था शामक दावर के साथ, तो वो भी चला गया, इतने लोग चले गए हैं और मैं बंबई में नहीं था, मैं अपने परिवार के पास कानपुर चला आया था, लेकिन फिर भी
अभी तक ठीक हूँ, तो यही इस वक्त तो यह है कि अगर बचे रहे तो आगे कुछ हो भी जाएगा, ये साल ऐसा है। चलिए, आपने आपने स्वीकार किया हमारे इस बातचीत पे आने के लिए, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। आपसे इतनी बार मुलाकात होती रहती है, मैं ये सोच रहा था कि आपसे पहली मुलाकात हमारी कब हुई, श्याम बेनेगल साहब के ऑफिस में, कभी पृथ्वी थिएटर्स में आपसे मुलाकात होती थी, कभी आप जामिया मिलिया में जब हम निरंजन पाल की फिल्म दिखा रहे थे तो आप अचानक से अवतरित हो गए और बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था, और लंदन में आप हमारे घर भी आ चुके हैं। आपको याद है कि सबसे पहले हम लोग कब मिले? सबसे पहले हम लोग लंदन में मिले हैं तकरीबन, सर आपने कहा 10 साल की हमारी दोस्ती है, लेकिन मैं तकरीबन, मुझे अगर याद पड़ता है तो 20 साल पहले हम लोग लंदन में ही मिले हैं। मेरे ख्याल से ये उस जमाने की बात थी जब मैं वहाँ पे शहीद उधम सिंह की शूटिंग करने के लिए आया हुआ था, और बहुत लंबा मेरा यूके में रुकना हुआ था, जिसमें से काफ़ी समय स्कॉटलैंड में भी बीता था और लंदन में भी बीता था। उसी वक्त आपके साथ मुलाकात हुई थी, और शायद यावर साहब के जरिए ही मुलाकात हुई थी जी। यावर साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि ना तो इंडिया दैट इज भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और 100 साल की उम्र में भी उनका जिस तरह से आप ख्याल रखते हैं हमेशा से, अभी तक आपने उनका ख्याल रखा है, तो उनके साथ ही आपसे दोस्ती हुई थी, सबसे पहले आपसे जान पहचान हुई थी, और तभी हम आपके घर गए थे, तभी हम आपकी बिटिया से भी मिले थे, और तभी हम कुसुम जी से भी मिले थे। कुसुम जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका अभी मौजूद हैं, और तभी से आपका जोश जो मैंने भारतीय सिनेमा के बारे में देखा था वहाँ रहते हुए भी, वो अपने आप में, अगर लंदन में एक ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है तो वहाँ एक इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है ललित मोहन जोशी, जिससे मेरी मुलाकात तभी हुई थी। ये आप कुछ ज्यादा कह गए। बहरहाल चलिए, आपकी आपके जीवन पर बात करते हैं। आप जो है शंकर दयाल तिवारी जी के सुपुत्र हैं, जो कि जिंदगी भर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे। तो मुझे लगता है यहाँ से बात शुरू करें ताकि आपकी पृष्ठभूमि की बात हो। आपकी माँ जो थी वो डॉक्टर पुष्पा तिवारी, उनको पीपल्स डॉक्टर कहते थे लोग, और उन्होंने जीवन पर्यंत मेरे ख्याल से 35 सालों तक उन्होंने जो काम किया, केवल 2 रुपए वो लोगों से फीस लेती थी। तो ये जो आपकी जो पृष्ठभूमि है, इसका आपके व्यक्तित्व पर क्या कोई असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। देखिए, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर सीखता है, आजकल जो पूरी डिबेट दोबारा शुरू हुई है जेनेटिक्स की और नर्चर वर्सेस नेचर की, तो उसमें जो भी नेचर जो भी देता है, डीएनए जो भी देता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें प्री डिस्पोजिशंस होते हैं, लेकिन उनको नर्चर करने वाले लोग मैटर करते हैं। और मैंने अक्सर दो चीजें देखी, एक या तो कम्युनिस्टों के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही एंटी कम्युनिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताओं की वजह से एक ऐसी चीज देखी होती है कि वो खुद अभाव में रह करके भी दूसरों के जीवन के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, और बच्चों को अक्सर लगने लगता है तुम्हें हमारे बारे में तो सोच नहीं रहा। बिल्कुल वैसी बात ही जैसे गांधी विरुद्ध गांधी नाम की पुस्तक में थी, जो दिनकर जोशी जी की पुस्तक थी, कि यार तुम महात्मा गांधी हिंदुस्तान भर के तो फादर ऑफ द नेशन बने, हमारे फादर कब तुम बनोगे, उनके बेटे ने जो सोचना शुरू किया था। और या ऐसा होता है जैसा गांधी जी के पहला बच्चा उनके अगेंस्ट हो गया और आखिरी बच्चा उनके बिल्कुल साथ हो गया, देवदास गांधी जी की बात मैं कर रहा हूँ, वैसी कुछ होता है, या तो आप पिता के साथ जाते हैं, पिता से दूर चले जाते हैं। जबकि मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पिता ने कभी हमको कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब भाई पिता अगर घर में हैं और पिता एक खास किस्म की पुस्तकें लेके आते हैं, लाइब्रेरी में कुछ खास किस्म की चीजें हैं, तो आप भी उनसे एक्सपोज होते हैं, या घर में एक खास किस्म के लोगों का आना जाना अगर होता है तो आप भी उन बातों को बचपन में सुनते हैं। या तो आप उससे पॉजिटिवली प्रभावित हो जाएंगे या उससे निगेटिवली प्रभावित हो जाएंगे। तो पिताजी के चलते हुए घर में अगर भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह जी आ रहे हैं, भगत सिंह के सबसे अच्छे साथी शिव वर्मा आ रहे हैं, अगर INA के साथ लड़ने वाली और रानी झांसी की ब्रिगेड बनाने वाली डॉक्टर लक्ष्मी सहगल आ रही हैं, या यशपाल जी आ रहे हैं, तो आपके ऊपर मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ना चाहिए। और कहीं इन्हीं सबसे सीख करके, जो मैं अक्सर अपने बारे में कहता हूँ कि, और ये लाइन भी चोरी की है, शेक्सपियर की है, कि असल में ये मैं जो इतना खा पी के मोटाया हूँ फिजिकली भी और कला की दुनिया में भी, वो खाना मेरा पकाया वो नहीं है, वो मैंने बड़ों की टेबल से जो टुकड़े खाए हैं
उन्हीं को खा खा के, जैसे शेक्सपियर ने एक जैसे लिखा है कि बड़े आदमी अमीरों के घर के कुत्ते भी टुकड़े खा खा के मोटे हो जाते हैं, तो मैं वैसे ही एक छोटा सा कुत्ता हूँ जो कि अपने पिता और उनसे मिलने वाले लोगों की टेबल से हमने जो टुकड़े पाए, जो खाया, जो सीखा, जो पर्दे के पास खड़े होकर जो वार्ताएं सुनी, उन्हीं से जो कुछ सीखा है, उसी से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ। उसमें मेरी माँ का भी बहुत बड़ा अभिदान है, क्योंकि पिताजी तो घर पे रहते नहीं थे, या तो ज्यादातर जेलों में रहते थे, या अगर बाहर रहे जेलों से तो सफर पे, दौरे पे रहते थे। तो माँ से जो कुछ भी सीखा, माँ का जो सेवा भाव था, प्रैक्टिस तो उन्होंने पूरे 50 वर्ष तक की थी, लेकिन उसमें से 35 वर्ष तक तो सिर्फ 2 रुपए की फीस लेती रही थी, और ये प्रैक्टिस उन्होंने मेरी पैदाइश के 1 महीने बाद शुरू की थी। तो जब मैं 35 वर्ष का हुआ और उनको 35 वर्ष हो चुके थे, तो हमें उनमें बड़ी बहस हुई। मैंने कहा भाई, इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि इन्फ्लेशन एक चीज होती है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, द मिल्क हैज गॉन अप मदर, तो तुम्हारी फीस क्यों अभी तक अभी 2 रुपए है, और इसको बढ़ाओ कम से कुछ तो बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हें खाने को मिलता है, मिलता है, तुम स्कूल जाते हो, जाता हूँ, तुमको एनएसजी भेजा, तुम कपड़े पहनते हो, पहनता हूँ, तुम्हारी शादी करवाई, तो फिर मैं 2 रुपए लूँ या 10 रुपए लूँ, तुमसे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो जाके, अपना कमाओ दमाओ, तुम जितने पैसे लेने हैं तुम लो। खैर, काफी ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही। और यहाँ पर मैं ये भी मैंने जाना है कि जब आप छोटे थे और आपकी माता जी जाहिर इतनी व्यस्त रहती थी और वो आपको हुसैनगंज के पास जहाँ आप रहते थे उसके पास ही आकाशवाणी लखनऊ, और वो जाके आपको आकाशवाणी लखनऊ छोड़ आती थी और आप जो है वहाँ पे बाल कलाकार बन गए और गाने वाले आप ऑथराइज आर्टिस्ट बने, उसके बाद ड्रामा के आर्टिस्ट बने। तो क्या ये आपके साथ जाती थी आपकी माता जी की, ताकि ये आपके लिए वरदान सिद्ध हुआ? बिल्कुल, ये मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे रॉयल होटल नाम की एक जगह थी ठीक विधानसभा के बगल में, और विधानसभा रोड पे ही अगला गेट जो था, पहले विधानसभा का गेट, फिर एक सड़क, फिर रॉयल होटल का गेट, फिर अगला गेट आकाशवाणी का हुआ करता था। और ये अर्ली 60s की बात है, जब मेरे पिताजी अधिकतर जेलों में रहते थे, चीन के साथ युद्ध हुआ वो जेल में, सीपीआई सीपीएम बटी, सीपीएम वाले सबके सब जेल में, पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध शुरू हुआ 65-66 में, पिताजी जेल में, तो वो पिताजी तो जेलों में ही रहते थे और माताजी वहाँ कहीं एक एमएलए साहब के क्वार्टर में मिला हुआ था पार्टी की तरफ से, वहाँ भी निकाल दी गई थी, तो उनके पास घर भी नहीं था, हम लोग काफ़ी दिन सड़क पे भी रहते थे, और वो कहाँ ले जाए मुझे, उनकी भी प्रैक्टिस धीरे धीरे मेडिकल की बढ़ रही थी, और आप जानते हैं गायनेकोलॉजिस्ट का न दिन होता है न रात होता है, तो कम से कम दिन में ये इस शैतान बच्चे को वो आकाशवाणी भेज दिया करती थी, तो वहाँ जाओ। और आकाशवाणी में थैंकफुली एक ऐसा कार्यक्रम था जहाँ बच्चे जा करके सीख सकते थे, तो मैं वहाँ गाना वगैरह सीखता था बाकायदा पियानो के साथ, और फिर नाटक भी करने लगा। तो मैं 9 साल की उम्र में मैं आकाशवाणी का बाकायदा चयनित एक कलाकार बन चुका था, और उस कलाकार होने के साथ जो 2.5 रुपए का पेमेंट मिलता था 9 साल की उम्र में अपना कमाया हुआ, वो अपने आप में एक नशा होता था। और फिर जब मैं धीरे धीरे नाटक करने लगा, तो जो चिट्ठियां आती थी उन दिनों, क्योंकि आकाशवाणी वॉज द ओनली मास मीडिया अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स जिससे लोग जुड़ते थे, सुनते थे, और हजारों चिट्ठियां आती थी, वो चिट्ठियों में जब नाम लिख के आता था अतुल तिवारी का अभिनय बड़ा, तो नेचुरली 10 साल का आदमी का दिमाग खराब होना और उसका रंगमंच से जुड़ जाना और उसका नाटकों से जुड़ जाना, ये तो होना ही था और वही हो गया। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपकी मेरी उम्र लगभग बराबर है, शायद मैं आपसे 1-8 साल बड़ा हूँ। 70 के दशक में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद चप्पलें चटका रहा था कुछ बनने के लिए, तो जाहिर है आप भी चटका रहे होंगे, लेकिन उस समय आपके पिताश्री जीवित थे और एक जाने माने नाम थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप बहुत आसानी से राजनीति में आ सकते थे और आज शायद आप सीताराम येचुरी के आगे या पीछे होते, तो ये दानिशमंदी नहीं दिखाई। सीताराम येचुरी जी एक बहुत ही जुझारू कॉमरेड रहे हैं, और मुझे याद है जब वो पहली बार जेएनयू का इलेक्शन लड़े थे, मैं नहीं था कहीं आसपास, लेकिन वो नारा मुझे मालूम है, ये नारा लगाया गया था जेएनयू में, और आई एम श्योर कि यहाँ जो इतना अच्छा आपने जो कम से कम 25 लोग तो मुझे स्क्रीन पे ही नजर आ रहे हैं, जो लोग होंगे उनमें से कुछ तो कुछ जेएनयू जरूर गए होंगे, शायद राणा साहब गए होंगे या विजय भाई गए होंगे, तो वहाँ पे नारा लगा था बड़ी लड़ाई लंबा काम सीताराम सीताराम, तो ये सीताराम जी का नारा था। शायद वो बड़ी लड़ाई लड़ने का और वो लंबा काम करने का की क्षमता मुझ में नहीं थी, इसीलिए
कहीं ना कहीं विचारों से लेफ्टिस्ट होते हुए भी मैं कम्युनिस्ट नहीं बना, कम से कम मैं कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट नहीं बना, क्योंकि अच्छा कम्युनिस्ट होना उतना ही मुश्किल है जितना कि शायद अच्छा ब्राह्मण होना या अच्छा मुसलमान होना। तो अच्छा कम्युनिस्ट होना भी उतना ही मुश्किल है, मानिए, सच बात मानिए, और झूठा कम्युनिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कम्युनिस्ट तो नहीं बना, मैं मेंबर नहीं बना, कार्ड होल्डर कभी नहीं बना, लेकिन हाँ ये कहना कि मैं लेफ्ट से मुतासिर नहीं था ये बिल्कुल गलत होगा। मैं बिल्कुल लेफ्ट से मुतासिर था, लेकिन मैं कभी पार्टी का सदस्य नहीं बना। बल्कि मजे की बात यह है कि सीपीएम से आने के बावजूद जब मैंने अपनी जीवन का पहला प्रोफेशनल नाटक किया एनएसडी से निकलने के बाद में, तो मैंने इप्टा के साथ किया, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन रायबरेली के साथ किया, जो कि सीपीआई से जुड़ी हुई थी, सीपीएम से जुड़ी नहीं थी। और सीपीएम का ऑलरेडी एक मंच था जिसका आप सब जानते ही हैं, जननाट्य मंच, जो जिसको सफदर हाशमी ऑलरेडी पैदा कर चुके थे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे दिल्ली में जब मैं एनएसडी में पहुंचता था उन दिनों। तो सफदर हाशमी का जननाट्य मंच था, लेकिन मैंने पहला नाटक इप्टा से किया। तो मेरे लिए छोटे छोटे भेद मैटर नहीं करते थे जब तक मुझे अपने नाटक में एक कुछ उन मानवीय मूल्यों की, उन राजनीतिक मूल्यों की, कुछ उन सामाजिक मूल्यों की बात करने की आजादी मिलेगी जो कहीं ना कहीं इंसान की बराबरी की बात करते हों, तो मैं वो नाटक करना पसंद करूंगा। फिर वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कहीं भी हो, मैं तो किसी भी पार्टी के मंच पे जाके बोलता हूँ अगर वो मुझे बोलने की आजादी दें और वो बोलने दें जो मैं बोलना चाहता हूँ। आपसे काफी बात होनी है, फिल्मों पे बात होनी है, पर आप एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिनेमा में 90 के दशक में आए आप, जबकि नई धारा का सिनेमा 70 में शुरू हो गया था। और मैं भी श्याम बेनेगल साहब को 1974 से जानता हूँ, जब उनकी पहली फिल्म अंकुर आई थी तो मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था और मेरे मित्रों ने कहा था कि भूल जाओ, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। और एक हफ्ते के अंदर मेरा उनका जवाब आया, उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारे पत्र से बहुत ही आई वॉज वेरी मूव्ड बाय योर लेटर, 4 लाइन का पत्र था। तो आप नई धारा के सिनेकारों से जुड़े, आपने नैलानी के साथ काम शुरू किया, हालांकि बेनेगल साहब के साथ आप डिस्कवरी इंडिया से आए। इस पर आने के पहले थोड़ा सा आप ये बताएं कि इसके पहले थिएटर में आपने अपने आप को आपने एस्टेब्लिश किया, और आपने भारत से के बराबर ही आपने ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और शायद जर्मनी में भी शोज किए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं सबसे पहले मैं थिएटर में मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुई वो आदरणीय राज बिसारा जी के साथ लखनऊ में, प्रोफेसर राज बिसारा जी के साथ लखनऊ में शुरू हुई 1975 से, जब उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में एक थिएटर वर्कशॉप की थी और उसमें पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत से लोगों का आना हुआ। आदरणीय सुशील जी हमारे बीच में हैं, वो भी उन दिनों छात्र हुआ करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो उस समय से मेरी थिएटर में फॉर्मल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। फिर मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी के साथ एक साल का कोर्स किया और 1980 में मैं दिल्ली आ गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ काम करने के लिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं 1983 में निकला, फिर मैं थिएटर में काम करता रहा उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत दिल्ली में, और वहीं से मुझे जर्मनी जा करके जर्मन नेशनल थिएटर में और बर्टोल्ड ब्रेख्त के बर्लिनर एंसेंबल में पढ़ने का मौका मिला एक साल। तो 86-87 में मैं वहां था, और वहां से आने के बाद में फिर मैं दोबारा थिएटर में लग गया। इसी बीच में मेरे पास, क्योंकि मैं एनएसडी के दिनों से ही कुछ लिखने का मुझे शौक था, लिखता तो मैं एनएसडी जाने के पहले भी था, लेकिन नाटक नहीं लिखे थे, फिल्म की स्क्रिप्ट एक जरूर लिखी थी मैंने 70s में। तो 80s में जब 83 में पास करके निकला तो मेरे पास, क्योंकि मैं काफी तब तक नाटकों के अनुवाद कर चुका था, अडेप्टेशन कर चुका था, और कुछ लोग मुझे थोड़ा बहुत कलम का धनी मानते थे, जैसे ही मैं धृष्टताएं करता रहता था, जैसे कि जब मैं सेकेंड ईयर में था एनएसडी का, एनएसडी के, तो मैंने शेक्सपियर का अनुवाद कर डाला था, जिसको उन दिनों एक साल के लिए फोर्थ ईयर शुरू हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और उन्होंने मेरे टेम्पेस्ट के ट्रांसलेशन को खेला था। तो इस तरह से मेरी इन धृष्टताओं को देखते हुए लोग पता नहीं क्यों मुझसे मेरी कलम से का थोड़ा बहुत मानने लगे थे, और इसी चक्कर में एक दो फिल्ममेकर्स ने मुझसे कहा कि तुम आके हमारे लिए लिखो। सुधीर मिश्रा जी से मेरी मित्रता थी, वो भी लखनऊ के हैं मेरी तरह, हम लोगों के परिवार भी करीबी थे, लेकिन हमारी मुलाकातें सुधीर मिश्रा जी से नहीं हुई थी, क्योंकि उनका परिवार होते हुए भी वो पूरे देश में उनके पिताजी का डॉक्टर डी ए मिश्रा के ट्रांसफर्स हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। लेकिन सुधीर मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई उनकी पूर्व पत्नी सुष्मिता मुखर्जी के जरिए, जो मेरी क्लासमेट थी, और सुधीर ने मुझे फिल्म का ऑफर दिया और लिखने के लिए मुंबई बुलाया। तब 1986 में जर्मनी से आने के बाद फिर मैं गया और मैंने सुधीर मिश्रा जी की
फिल्म लिखी, ये वो मंजिल तो नहीं, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर उसी सिलसिले में जब आगे आना जाना बम्बई में हुआ, तभी श्याम बेनेगल जी से मुलाकात हुई और उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी कुछ एपिसोड्स मैंने लिखे, सारा मैंने नहीं लिखा, कुछ एपिसोड्स मैंने लिखे। मजे की बात यह थी कि जब श्याम बेनेगल जी मुझसे मिले तो मैंने कहा सर मैं भी लिखता हूँ, उन्होंने वो देख ली थी ये वो मंजिल तो नहीं, बोले कि हाँ तुमने तो अच्छी फिल्म लिखी है, मेरे लिए लिखोगे? मैंने कहा जरूर लिखूंगा। और उन्होंने कहा कि वेल नेहरू रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन 1939 एंड मेनी टाइम्स ही थॉट ऑफ रिवाइजिंग इट बट ही कुड नॉट। और उसके बाद में फिर 39 के बाद 42 में जेल चले गए, फिर 45-46 में छूट के आए, तो फिर देश की आज़ादी की तैयारी में लग गए, फिर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस किताब की कहानी 39 से 47 तक जाए, तो क्या तुम्हारे पास 39 से 47 के बीच की कुछ कहानियां हैं जो उसी तरह की हों? तो तुम्हें वो लिखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो नेहरू ने नहीं लिखा था। मैंने कुछ दो चार उनको कहानियां सुनाई, ये फिर उसी वजह से क्योंकि जिस घर में मैं पैदा हुआ था, जो लाइब्रेरी पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए दी थी, उसके जरिए कुछ इतिहास से कुछ चीज़ों से मेरा एक तरह का संबंध था। मैंने जब उनको दो चार कहानियां सुनाई तो वो मान गए, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल इन पर काम करो। और मैंने फिर जो कहानियां जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में नहीं लिखी थी उनके ऊपर मैंने काम किया, और इस तरह से मेरा जुड़ाव बेनेगल जी से चला, शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। वो मेरे उस्ताद हैं, ही इज़ माई रिवर्स क्रम में अगर कहें तो ही इज़ माई गाइड, ही इज़ माई फिलोसोफर एंड अ बिट ऑफ अ फ्रेंड एंड अ मेंटर। तो वो रिश्ता अभी तक चल रहा है, हमारी अगली फिल्म भी साथ में बन रही है जिसकी तैयारी चल रही है हम लोगों की। और बाकी तो सुभाष चंद्र बोस के कुछ टुकड़े आपने देखे ही थे, अभी और भी कुछ चीजें बीच में, चाहे संविधान रहा हो चाहे जी। श्याम बेनेगल के बारे में आपने अक्सर बातचीत हम लोगों की हुई है, बेनेगल साहब के साथ जहां आपने काम किया वहीं आपने मिशन कश्मीर जो तथा कथित जो कमर्शियल फिल्म मेकर से उनके साथ भी काम किया है। हालांकि मुझे मालूम है कि जो आपके जो जो कौन है जिन्होंने ये फिल्म बनाई, जो आपके मित्र रहे हैं, अच्छा राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी तो आपके मित्र थे। तो आप श्याम बेनेगल में और इन सिनेकारों में क्या अंतर देखते हैं और किस तरह से आप सामंजस्य स्थापित करते हैं? क्योंकि आपका एक पैर कमर्शियल सिनेमा भी में भी रहता है और एक पैर जो नई धारा के सिनेकार रहे हैं जो एक तरह से यथार्थवादी सिनेमा बनाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी शुरुआत तो नई धारा के सिनेमा से ही हुई और 90 के दशक में नहीं 80 के दशक में हुई, तभी 87 में मेरी पहली फिल्म ये वो मंजिल तो नहीं बनी थी जिसके मैंने संवाद लिखे थे। सुधीर मिश्रा की पहली फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म थी, हम दोनों लोग लखनऊ के, हमने लखनऊ में ही ये फिल्म शूट की थी, मेरा घर उसका प्रोडक्शन सेंटर हुआ करता था लखनऊ में। तो इस तरह से वो पहला एक लखनऊ में बड़ा काम शुरू हुआ। अब तो लखनऊ में हर तीसरी फिल्म हिंदुस्तान की शूट की जाती है थैंकफुली। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, फिर श्याम बेनेगल जी, गोविंद नीलानी साहब, गिरीश कासरवली। तो बिल्कुल सही कहना है आपका कि पैरेलल सिनेमा से मेरी शुरुआत हुई थी, वरना थिएटर से आए हुए एक नॉन कमर्शियल किसी के राइटर को कौन पूछता। लेकिन फिर ये भी हमेशा शौक होता है आपको कि आप बड़े बजट की बड़ी फिल्मों में बड़े सितारों के साथ काम करें और वो भी लिखें जो आपको लगता है कि अरे यार इसको लिखने में क्या है, लेकिन एक्चुअली उसका उसके लिखने की विधा बिल्कुल अलग है, उसको लिखने के विधान बिल्कुल अलग हैं और उसको लिखने की कला बिल्कुल अलग है। जो हम लोग अक्सर अपने दम्भ में समझते हैं कि हम तो कलात्मक सिनेमा लिख लेते हैं तो कमर्शियल सिनेमा लिखना तो हमारे बाएं हाथ का काम होता है, तो बाएं हाथ का काम नहीं होता है, वो भी दोनों हाथ का काम होता है। और तभी तो जिन ऊंचाइयों को कभी सलीम साहब ने और जावेद साहब ने छुआ था, उस सफलता को जितना एक हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक इंडिया के वो लोग पहुंचे थे कोई पहुंच नहीं पाया है। तो वो अपने आप में एक अलग कला है। लेकिन जैसा आपने बेनेगल साहब की जो बात कही और आपने जिस चिट्ठी से शुरुआत की थी, तो मैं अभी भी कहता हूँ दैट मिस्टर बेनेगल इज द लास्ट जेंटलमैन लेफ्ट इन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। तो वो ये तो उनकी जेंटलमैनली ट्रेट है, वो जब सिनेमा बनाते थे तब भी, जब सिनेमा नहीं बनाते थे तब भी और हमेशा, कि वो अगर कोई चिट्ठी लिखेगा तो उसका जवाब उनको देना जरूरी है। अगर कोई उनको ना जानने वाली अगर शादी का कार्ड भेजेगा तो दो लाइन मुबारकबाद की उस शादी में भेजेंगे। ये तो बेनेगल साहब हैं और लास्ट जेंटलमैन हैं, इसलिए उनके जैसे व्यक्ति के साथ काम करना, मैं जब बेनेगल साहब के साथ काम करने जाता हूं और मेरा कोई घर वाला अगर इत्तेफाकन फोन आया कि अरे आज कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ आज यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ये हमारा एक स्टैंडर्ड जो है कि आज मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, क्योंकि बेनेगल साहब के साथ जाना, बेनेगल साहब के साथ बैठना, बेनेगल के साहब के साथ समय बिताना सचमुच एक विश्वविद्यालय जाने की तरह होता है। और वो विश्वविद्यालय
जो मैंने वेस्ट में ही देखे हैं, इंडिया में तो बहुत कम है उस तरह के विश्वविद्यालय। इंडिया में आप जब विश्वविद्यालय जाते हैं तो तीन विभागों में जाते हैं कि क्या पढ़ते हो। जी मैं साइको पढ़ता हूँ और मैं फिस पढ़ता हूँ विच इज फॉर फिजिक्स, और मैं केम पढ़ता हूँ विच इज फॉर केमिस्ट्री। तो मैं साइको फिस केम पढ़ता हूँ, तो मैं इन्हीं तीनों विभागों में जाता हूँ। बाकी मैं किसी विभाग में ना मुझे घुसने को ना मिलेगा और ना बैठने को मिलेगा लेक्चर में, क्योंकि मुझे वहां से दौड़ा के भगा दिया जाएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है, छोटा सा यूनिवर्स होता है, जो कि आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि आप कहीं भी किसी भी विभाग में जाके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका में था, और अमेरिका में अगर मैं थिएटर विभाग में जाकर के भारतीय थिएटर पे बात कर रहा हूँ या भारत में शेक्सपियर के इतिहास के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मतलब वहाँ मैथमेटिक्स वाले भी आए हैं, वहाँ फिजिक्स वाले भी आए हैं, वहाँ सोशियोलॉजी वाले भी आए हैं स्टूडेंट्स, और सब आपको सुन रहे हैं। तो इन्हीं सारे विषयों का अगर आपको एक साथ मजा लेना है तो आप श्याम बेनेगल जी की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ इन सारे विषयों का एक साथ मजा ले पाते हैं। जी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, ये मैड्रिड में ओम पुरी साहब से मेरी इंटरव्यू में कर रहा था, तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा, तो कहने लगे बेनेगल साहब के साथ काम करना बिल्कुल अलग है। एक बार वो किसी सेट में थे, तो कोई आरोहण फिल्म या कोई बन रही थी, तो वो कुछ उसको चेंज करना चाह रहे थे, तो इतनी सहजता के साथ बेनेगल साहब आपको अलाउ करते हैं फ्रीडम, बिल्कुल इसका वो एक उदाहरण दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेनेगल साहब मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूं, और साथ में वो सिगरेट भी पी रहे थे, तो बेनेगल साहब ने कहा यस इट्स ओके यू कैन डू दैट, और फिर सुना थोड़ा आगे जाके लौट का आए तो फिर कहने लगे नॉट विद दिस सिगरेट। मतलब था कि इस पीरियड की बात हो रही है, जिस चरित्र की बात हो रही है, सिगरेट नहीं पी। तो इस तरह का कोई उनका जो अप्रोच था, उसका एक कोई एनेक्डोट आप बता सकते हैं, कोई किस्सा आपके साथ गुजरा? बिल्कुल बिल्कुल, बेनेगल साहब के बारे में मैं अक्सर वो बात कहता हूँ जो सरकारें अपने बारे में कहने की कोशिश करती हैं। एक सरकारों का बड़ा एक फेवरेट एक डायलॉग है कि मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स, और उनमें फिर ये कहने के बाद में वो और गवर्नमेंटल रूल्स और गवर्नेंस के रूल्स और कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं। भारत में तो आप हर रोज ये चीज देखते हैं, लेकिन बेनेगल साहब के साथ मिनिमम डायरेक्शन और मैक्सिमम रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आप उनके सेट पे जाइए। लेखक के तौर पे वो हमेशा लेखकों को अपने साथ रखते हैं, जबकि दूसरे निर्देशक कोशिश करते हैं कि एक बार जब स्क्रिप्ट लिख जाए तो राइटर कहीं आसपास दिखाई ना दे, क्योंकि राइटर रहेगा तो फिर वो भी कुछ ना कुछ वो दखल करने की, अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे लिखा था आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। बेनेगल साहब राइटर को वेलकम करेंगे कि क्या पता तुमको कुछ वहां जाके आइडिया आ जाए और तुम उसको बदलो अगर बदलना चाहते हो, और इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर उसमें मेरिट है तो। बिला वजह एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे सिर्फ ऑन द हेक ऑफ इट कि मैं वहां क्योंकि ले जाया गया हूं, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखानी है और मैं कोई चीज चेंज कर दूं। इसी तरह की वो कैसे ना डायरेक्ट करते हुए भी इतना अच्छा नतीजा निकलवा लेते हैं अपने एक्टर्स से, अपने लेखकों से, अपने कैमरामैन से, ये बहुत ही एक सीखने वाली चीज उनसे है। ऑफकोर्स मैंने जैसा आपने जिक्र किया, मैंने कमर्शियल लोगों के साथ भी काम किया है, मैंने विदु विनोद चोपड़ा जी के साथ काम किया है, उनकी फिल्म में उसका एक अलग तरह का मजा होता है ऐसे लोगों के साथ काम करने का, वो एक जिंदगी अलग होती है, वो उसका एक थोड़ा सा ग्लैमर अलग होता है, वो माहौल अलग होता है, उस माहौल की खुशबू अलग होती है, वो उसका उसके अपने अलग मजे हैं। और जहाँ तक राजकुमार हिरानी का सवाल है, मेरे मित्र का, राजकुमार हिरानी साहब जब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास करके आए थे, उन दिनों बम्बई में मैं थिएटर काफी करता था, और हम लोगों के पास उन दिनों बम्बई में, मैं बात कर रहा हूँ 88, 89, 90 वगैरह की, उन दिनों बम्बई में हम लोगों के पास एक ही चीज बहुतायत में होती है थी, वो थी समय, क्योंकि दूरदर्शन अकेला एक चैनल था, उसमें वो भी शाम को आता था, तो उसमें कितने प्रोग्राम हमको करने को मिल जाएंगे बम्बई में रह के। फिल्में हम केवल कलात्मक फिल्मों से जुड़े हुए लोग थे, हम लोग पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से नए नए आए हुए, तो NFDC साल में 4-5 फिल्में बनाती थी, एक दो अगर हमको मिल गई लिखने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही राजकुमार हिरानी को अगर एक दो एडिट करने को मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, तो समय खूब होता था। और मैं थिएटर करता था रोज शाम को बम्बई में, मेरे रिहर्सल्स अटेंड करने आते थे राजकुमार हिरानी, और मुझसे बड़े प्रभावित थे और मेरे रिहर्सल्स में मेरे नाटक से जुड़ने में लगे हुए थे। कुछ दिनों बाद एक दिन मेरे घर आए मिठाई का छोटा सा डब्बा लेके पाव भर का, और बोले कि अतुल जी मैंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली है, फीचर फिल्म नहीं, एक छोटी सी जिसको कॉरपोरेट फिल्म हम लोग कहा करते थे उन दिनों, 10-20 मिनट की फिल्म थी, और नागपुर के वो रहने वाले हैं, और नागपुर से एक हितवाद नाम का अखबार निकलता है, उस हितवाद की एक कॉरपोरेट फिल्म थी। तो बोले मैंने वो कॉरपोरेट फिल्म साइन कर ली है, मैं वो बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा वाह 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 राजू मुबारक हो,
तो तुम मेरे लिए मिठाई क्यों लेके आए हो, क्या मुझसे लिखवाना चाहते हो? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे अभिनय करवाना चाहता हूँ, फिल्म की स्टोरी एक लाला के बारे में जो हितवाद नहीं पढ़ता है, हितवाद अखबार नहीं पढ़ने से उसका धंधा कैसे चौपट है, उसकी बीवी सही दाम से सोना नहीं खरीद पाती है, उसकी बच्ची फिल्म सही में नहीं जा पाती है, उसका बच्चा स्पोर्ट्स न्यूज नहीं देख पाता है, तो वो हितवाद खरीदने लगता है, ये कहानी है और मैं चाहता हूँ लाला का रोल आप करें। मैंने कहा यार राजू मैं एक्टर नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई कैसी बात करें अतुल जी, जब आप डायरेक्शन करते समय बताते हैं तो इतना सही बताते हैं कि कोई उतना सही हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा राजू डायरेक्टर होना और अभिनेता होने में बहुत अंतर है। डायरेक्टर 2 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए बता सकता है, लेकिन अभिनेता 2 घंटे तक उसी को जीता है, वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो राजू बड़ा डिसअपॉइंटेड बोले अतुल जी मैंने तो आपके लिए बहुत बड़ा बजट भी रखा था, 10,000 रुपये मैंने सोचा था आपको दूंगा। मैंने कहा मैं करूंगा करूंगा, 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज होती थी, 10,000 रुपये उन दिनों हमको एक पूरी फीचर फिल्म लिखने के NMTC दिया करता था। मैं करूंगा करूंगा करेंगे, क्योंकि शूटिंग कितनी होगी, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 3 दिन की शूटिंग थी और उन्होंने मुझसे पहली बार अभिनय करवाया। तो ये समझ लीजिए कि राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म जो मैंने की है वो 3 इडियट्स नहीं थी, वो उनकी एक कॉर्पोरेट फिल्म थी जो उन्होंने 1990 में बनाई थी, तब से मैं उनका पहला अभिनेता हूँ। ये शरफ उसी को हासिल है, ये शरफ जो है वो ना संजय दत्त साहब को हासिल है और ये शरफ ना आमिर खान साहब को हासिल है, ये शरफ सिर्फ अतुल तिवारी एक जैसे घटिया एक्टर को हासिल हुआ है। आपने हालांकि एक टुकड़ा तो हम लोगों ने देखा 3 इडियट्स का, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वॉच क्लिप मानी जा रही है वो, जो 3 इडियट्स का जो टुकड़ा जो बलात्कार जिस तरह से वो बोलता है, तो दैट इज द मोस्ट वॉच क्लिप ऑन यूट्यूब आई हैव हर्ड ever of Indian cinema. Yes. जी. तो आप अपने को reluctant actor क्यों कहते हैं? मैं reluctant actor इसलिए कहता हूं कि मैं reluctant हूं। अगर राजू हिरानी मुझे ढूंढ के ना निकालते कि ये, और राजू हिरानी ने मुझे कैसे ढूंढ के निकाला कि अतुल जी जिस तरह से आप हंसते हो ना मुंह फाड़ के, अभी भी मैं हंस रहा हूँ, 4-5 बार हंस चुका हूँ मैं भी, जैसे आप हंसते हो जैसे आप मुंह फाड़ के हंसते हो ऐसे बहुत कम लोग, जो ओपन माउथ लाफ्टर एक जमाने में बड़ी अच्छी चीज समझी जाती थी, वो धीरे धीरे वो एटिकेट से बाहर हो गई, वरना एक जमाने में ओपन माउथ लाफ्टर वाज अ गुड थिंग, अब वो एटिकेट में ऐसा हो गया कि काफी है और अच्छा है रुमाल लगा के हंसे तो और भी ठीक है, महिलाएं तो खैर थोड़ा सा शर्माना उनके लिए तो जेब देता है, उनको शोभा देता है, लेकिन हम मर्दों के लिए भी ओपन माउथ, हालांकि पुराने जमाने में आप अगर लखनऊ औरतों को देखेंगे तो वो भी जिस तरह से ओपन माउथ लाफ्टर देती थी, अभी अगर आप मिसेस जाफर को देख लें जिन्होंने अभी गुलाबों सिताबों में बुढ़िया का रोल किया जो अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थी, उनको अगर आप हंसते हुए देख लें तो वैसे ही ठठा के मुंह खोल के अभी भी हंसती हैं, इस उम्र में भी 90 पार कर चुकी हैं फिर भी, लेकिन खैर। तो उसने कहा राजू को याद है अतुल जी आप जिस तरह मुंह फाड़ के हंसते हो, मुझे वही मुंह फाड़ के हंसते वाला चाहिए, आप चले आओ। तो मैं तो कहीं मंच पे नहीं था, मैं अभिनय नहीं कर रहा था, मैं फिल्मों में या वहाँ थोड़ा सा अगर मैं श्याम बाबू की किसी फिल्म में कर रहा हूँ किसी की जरूरत है तो मैं कर लूंगा, सुधीर मिश्रा की कोई फिल्म है यार तुम आए नहीं हो बहुत दिनों से सेट पे आ जाओ कुछ कर लो, मैं चला जाऊंगा कर लूंगा, इसलिए मैं अपने आप को रिलक्टेंट। एक बात तो मैं आपको मान गया क्योंकि मैं कुमाऊं से हूँ और गोविंद वल्लभ पंत जो है वो कुमाऊं के सबसे बड़े और होम मिनिस्टर भी थे और नेहरू के बहुत करीब थे, और जहाँ जिस गाँव पे हम है शिलौटी नवचेताल में हमारे घर के नीचे उनका घर था, और मुझे याद है बचपन में हमारे दादा से वो मिलने आया करते थे, तो वो जो मतलब पंख का जो आपने अभिनय किया उसमें आपको आपका शारीरिक गठन भी वैसे ही लगता है, और कुसुम ने जब वो क्लिप देखा तो कहने की ओ माय गॉड व्हाट अ रिजेम्बलेंस, तो क्या गोविंद वल्लभ पंत का रोल आपका बेस्ट रोल माना जा सकता है? एक तरह से बेस्ट रोल माना जा सकता है कि पहली बात तो ये कि अक्सर लोग मुझे गोविंद वल्लभ पंत का के रोल के लिए बधाई देते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो मेरा लिखा हुआ भी है। संविधान जैसी चीज को लिखना, उस 10 घंटे की फिल्म को लिखना जो मैंने शमा जदी जी के साथ लिखा है, वो अपने आप में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अचीवमेंट मैं उसको अपनी जिंदगी का मानता हूँ। संविधान मेरा विषय नहीं है, संविधान हम जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से हम में से किसी का विषय नहीं है, अनलेस सेटल कि आप में से कोई क्वींस एडवोकेट बन गया हो, जैसे कि हमारे हरीश सालवे साहब को अभी बना दिया गया है तो भारत के, तो मैं अगर आप में से कोई हो अभी क्वींस एडवोकेट तब तो बात अलग है, तो ऐसे में वो लिखना बड़ी बात थी। उसमें जब हम लोग ढूंढ रहे थे
तो अचानक हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है श्याम रावत, उन्होंने कहा अतुल जी आपकी शक्ल बड़ी मिलती है। और फिर मैंने कहा हाँ यार शक्ल तो सचमुच मिल रही है मेरी, अगर मैं मुझे बढ़ा लूँ तो, और बाल भी सफ़ेद हैं। और उसके बाद में फिर जो थोड़ा बहुत अभिनय मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सब कुछ सीखना पड़ता है जो सीखा था, और खास करके गर्दन का हिलना जो उनका था। बिल्कुल, खास बात एक ये है मैं बताना चाहूँगा, खास करके यहाँ जो अपने यंग लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर सुनीता जी हों या लखनंदा जी हों या रीता जी हों, कि किसी कोई मुझे बता सकता है कि उनकी गर्दन क्यों हिलती थी? हाँ मैं आपको शायद बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था, तो नेहरू को बचाने के लिए वो आगे आ गए थे। बिल्कुल, सर पे जो लाठी पड़ी थी उसके, क्योंकि मैं वो हमारे मतलब एक तरह से संबंधी भी थे, तो शायद इसीलिए, इफ आई एम राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब जब साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश भर में जब चल रहे थे, ये वही साइमन कमीशन था जिसमें लाला लाजपत राय लाठियों से मार दिए जाएंगे, ये वही साइमन कमीशन था जिसके बदले लेने के लिए भगत सिंह बन जाएंगे, ये वही साइमन कमीशन था जिसने इस देश में वो कानून लाके खड़े कर दिए थे कि ना वकील ना दलील ना अपील जैसी चीजों को लेकर के, ये वही साइमन कमीशन था। तो उस साइमन कमीशन के विरोध में जब एक प्रदर्शन निकला और उसमें लाठियां चलने लगी, तो उस लाठियों में दूसरों को बचाने के लिए ये लाठी खाई थी आदरणीय गोविंद बल्लभ पंत जी ने। इसलिए मुझे उस सर का हिलना अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगती है। सर तो बहुत लोगों का हिलता है, जिसको भी वो पार्किंसन हो जाएगा उसका कुछ ना कुछ शरीर का अंग हिलने लगेगा, लेकिन ये इट वॉज नॉट ड्यू टू पार्किंसन्स, इट वॉज ड्यू टू हिज एक्टिव फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। एक तरह से फिर हमारी कहानी आपके लंदन से जुड़ जाती है, इसलिए मुझे लगा कि ये रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उनके सिर का हिलना बहुत महत्वपूर्ण है। भले हम उसको कहीं उसमें कहानी में वीव नहीं कर पाए, तो वो बड़ा ठूसी हुई चीज लगती है कि पंत जी आपका सर क्यों हिलता है, और पंत जी बताते मेरा सर इसलिए हिलता है क्योंकि उन दिनों के जो लोग थे वो इस कहानी को जानते थे कि पंत जी का सर क्यों हिलता है। आज हम में से अधिकतर लोग ये भूल चुके हैं जी। ये अब चूंकि मुझे ये बात मालूम थी, इसीलिए मैं आई थिंक दिस वॉज ओनली रीजन जिसकी वजह से मुझे लगा कि क्या कमाल का आपने अभिनय किया है। और मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि वो ऐसे ऐसे सर हिला के बात करते थे, तो मुझे लगा कि आपने उसको सर हिला के, तो एनीवे दैट शोज कि आप इतने सिद्धहस्त अभिनेता हैं। जाहिर है आपने निर्देशन का कोर्स किया है NSDL से, तो जो भी निर्देशक होता है वो एक्टर तो होता ही है, भले वो एक्टर ना बने। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, शमा जैदी के साथ आपने बहुत काम किया, क्योंकि बेनेगल की बहुत पुरानी चहेती वो राइटर है, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैंने बियॉन्ड पार्टीशन बनाई थी तो सत्यू साहब और शमा जी से बहुत बातचीत हुई थी, और उनका बड़ा एक तरह का स्ट्रॉन्ग नेचर है, वो अगर किसी बात पे अगर डिसएग्री करती हैं तो बहुत सख्ती से डिसएग्री करती हैं। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, थोड़ा सा एक नोटिस सवाल है कि आपके कुछ इस तरह के ऐसे कभी दौर आते थे जबकि कुछ इस तरह का कॉन्फ्रंटेशन होता था, अगर होता था तो उसको कैसे निपटाते थे? आते थे नहीं, आते हैं, क्योंकि हम अभी भी साथ में काम कर रहे हैं और बड़ा लंबी हमारी इनिंग्स हो गई है, तो तकरीबन 30 साल की हमारी इनिंग्स हो गई है साथ में काम करने की। और एक बात ये भी, मैं मुझे एक अंग्रेजी कहावत बड़ी अच्छी लगती है ललित भाई, कि इफ यू पुट टू पीपल फॉर अ जॉब एंड दे एग्री ऑन एवरीथिंग, then one of them is useless, and if you put two people for a job and they disagree with everything, then both of them are useless. to isliye hamara aur shama ji ka ye balance hai, tabhi hamari jo do bailon ki jodi hai wo abhi tak chal rahi hai 30 saalon se. aur ye baat bilkul aap sahi keh rahe hain ki shama ji bahut emphatic के लिए अपना पॉइंट रखती हैं, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट के साथ अपना पॉइंट रखती हैं, उनके बोलने में कोई लाग लपेट नहीं होती है, उनके बोलने में अक्सर कोई डिप्लोमेसी नहीं होती है, और ये बात मैं कह रहा हूँ ये जानते हुए कि वो भी शायद ये बात सुन रही होंगी, लेकिन उनकी यही खासियत है कि आज के जमाने में जब हम सब लोगों में एक बहुत ज्यादा ही डिप्लोमेसी आ गई है, हम सब लोग एक दूसरे से झूठ बोलने के बहुत बड़े उस्ताद होते चले जा रहे हैं आज के जमाने में, हमें बिल्कुल ललित भाई की बात नहीं माननी है, लेकिन हाँ हाँ ललित भाई क्यों नहीं, बिल्कुल ललित भाई हो जाए, आप इंडिया तो आइए, बिल्कुल हो जाएगा, फिर जब ललित भाई इंडिया आ जाएंगे तब मैं ललित भाई क्या बताएं, असल में वो हमारी बिल्डिंग में कोरोना हो गया था इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा,
अब आप वापस लंदन चले जाइए. तो ये जो डिप्लोमेसी आ गई है हम सब में, वो उनमें बिल्कुल नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ कि शमा जैदी जी बिल्कुल नारियल की तरह हैं, जो बाहर से बहुत सख्त हैं, जिसमें बहुत सारे झाड़ झंखाड़ भी होते हैं, लेकिन अंदर से उनका जैसा मृदुल, उनका जैसा निर्मल, उनके जैसा मीठा, उनका जैसा शुद्ध और शफाफ व्यक्तित्व मिलना आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है. मैंने इसलिए खास तौर पर कहा क्योंकि अगले सप्ताह हम एमएससी से बात कर रहे हैं, तो जाहिर है वो शायद सुन रही होंगी, और मैं आगे चल के उनसे भी बात करूंगा और बहुत ही एक तरह का रिविलेशन ये होगा. अच्छा, एक अब चूंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल भी करें, अब आखिरी पहलू जो है आपके व्यक्तित्व का ये है कि आप एक म्यूजियम मेकर के तौर पर जाने जाते हैं, और आपने दो म्यूजियम तो बहुत ही कमाल के बनाए हैं. एक तो आप गांधी कुटीर करके गुजरात में बनाया है, और दूसरा जाहिर है पटेल पर एक म्यूजियम बना है, और जाहिर है हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका आप पे विश्वास रहा होगा. तो ये पहली बात ये बताइए कि ये कैसे संभव हुआ, और आप एक मूल रूप से एक वामपंथी भी हैं और प्रोग्रेसिव हैं, और हर तरह के क्रिएटिव काम आप करते हैं बिना किसी भेदभाव के, इस पर आप जरा सा बात कीजिए हमें बताइए. पहली बात तो ये कि आप अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि अतुल जी आप एनएसडी से हैं, आप थिएटर करते हैं, बात समझ में आती है, आप फिल्मों से जुड़े हैं, ये बात भी समझ में आती है, क्योंकि आज तो आधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग सीधे मुंबई ही पहुंच जाते हैं या टेलीविजन के माध्यम से जुड़ जाते हैं. बहुत से लोग ऑफिशियली से जुड़ जाते हैं, जैसे सुशील भाई यहाँ जो मौजूद हैं आज, या सबा जैदी जी का नाम ले लें, या बहुत से और भी नाम ऐसे हैं जो कि सीधे टेलीविजन से जुड़ जाते हैं, उसके एक तरह से टेलीविजन में काम करने लगते हैं, या दूसरे लोग फ्रीलांस होकर टेलीविजन से जुड़ जाते हैं, जिस रास्ते से बरास्ता टेलीविजन ही बहुत से लोग आज पहुंचे हैं फिल्मों में, चाहे वो पंकज कपूर साहब रहे हों या बहुत से और नाम जो है वो टेलीविजन कर करके सिनेमा तक पहुंचे, और सिनेमा में भी उन्होंने अद्भुत काम किया है. तो ये म्यूजियम कहाँ से आपकी जिंदगी में आ गए? जी, म्यूजियम्स का मेरी जिंदगी में आने का जो कारण रहा और जो रास्ता रहा वो यूँ रहा, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कम है, उसमें इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कि पिछले 10-11 वर्षों से म्यूजियम्स का चरित्र वर्ल्ड वाइड बदलने लगा है. अब म्यूजियम्स जो है वो एक तोशाखाना नहीं रह गए हैं, संग्रहालय नहीं रह गए हैं जहाँ की चीज़ों को संग्रह कर देना है एक एयर कंडीशन खिड़की के पीछे. दे आर नो मोर द क्यूरियोसिटी कैबिनेट्स ऑफ द अर्ली डेज ऑफ कॉलोनियलिज्म. यहाँ की जब जहाजी यूरोप से निकल के दुनिया का चक्कर लगा के आते थे तो अपने साथ में कुछ क्यूरियोसिटी की चीजें लेके आते थे कि देखो इतना बड़ा पन्ना मिला हमको चीन में, और इतना बड़ा हीरा मिला हमको अफ्रीका में, और वो ला करके वो कैबिनेट के अंदर रख दिया जाता था, जो क्यूरियोसिटी कैबिनेट्स कहलाते थे राजाओं के महलों के अंदर. और क्योंकि यूरोप के राजाओं का थोड़ा सा जनता से भी जुड़ाव था, चाहे उन्होंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोली हो, चाहे उन्होंने क्यूरियोसिटी कैबिनेट्स को दूसरे लोगों के लिए खोल दिया हो, चाहे एक्सपोजिशंस हुए हो लंदन के और पेरिस के. ये वो जमाना था जबकि कम से कम लंदन में तो रानी का ही राज था, डेमोक्रेसी आने के बाद भी पेरिस में जरूर हालात थोड़े दूसरे थे, लेकिन वहां पे ये क्यूरियोसिटी कैबिनेट्स भी जनता के लिए खुलने लगे थे. हमारे यहाँ और ज्यादातर दुनिया में अभी तक म्यूजियम्स उसी क्यूरियोसिटी कैबिनेट या संग्रहालय की रीति में थे. अब धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ में अब सवाल यह है कि अगर महात्मा गांधी पे कोई म्यूजियम नया प्लान किया जाना है तो महात्मा गांधी ने खुद ही कोई चीज अपने जीवन में कलेक्ट नहीं की, वो तो अपरिग्रह पे विश्वास रखते थे. तो जिस आदमी ने खुद ही किसी चीज का परिग्रह ना किया हो, खुद ही किसी चीज को जोड़ा ना हो, उनके लिए हम क्या जोड़ के रख देंगे म्यूजियम? उस आदमी के पास दो चप्पलें थी, एक मृत्यु के दिन खो गई, एक बची, दो चश्मे थे, एक अभी अभी आपके लंदन में ऑक्शन हो गया, एक बचा, एक सूत काटने का चरखा था वो ऑलरेडी रखा है कहीं पे, तो मैं वहां क्या रख दूंगा महात्मा गांधी का? लेकिन क्या इसके बाद महात्मा गांधी की म्यूजियम नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए. तो महात्मा गांधी का विचार, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, महात्मा गांधी की राजनीति, महात्मा गांधी का फलसफा, उनकी पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी, फिलोसफी, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन डिस्प्ले देयर समहाउ. दैट समहाउ इज वेयर अ पर्सन लाइक मी एंटर्स. दैट समहाउ हैज टू बी ड्रामेटिक. That somehow has to be cinematic, that somehow has to be
picturesque, beautiful, etc., etc., etc. और उसमें हमने बहुत सी ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि उसी तरह से engaging होती हैं, उसी तरह से enveloping होती हैं, जैसे कि थिएटर में होती हैं या फिल्म में होती हैं। उन चीजों का माध्यम लेकर के हमने महात्मा गांधी का जो म्यूजियम जो मैंने बनाया है गांधीनगर में, वो तब शुरू हुआ था जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और वो तब खत्म हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे उसको इनॉग्रेशन किया। उसी म्यूजियम के आधार पे शायद जब सरदार पटेल का म्यूजियम दिल्ली में बनना शुरू हुआ, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने बनवाया था, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और उस म्यूजियम में जो कुछ भी मैं कर सका। तो मैं बेसिकली आइडिएशन में काम करता हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि आइडिएशन के लेवल पे होगा तो किसी चीज को लिखना पड़ेगा, वो भले उसमें संवाद हो या ना हो तो भी उसको स्क्रीन प्ले की तरह लिखना पड़ेगा। आपने तो पाल साहब पे इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है और आप जानते हैं कि उनके जैसा स्क्रीन प्ले राइटर जब फिल्मों में डायलॉग नहीं हुआ करते थे तब वो फिल्में लिखते थे, तो जो कुछ भी दिखेगा वो लिखना पड़ेगा पाल साहब को, तभी उसको कोई जर्मन निर्देशक दिखा सकेगा। तो इसी तरह से मैं जो लिखता हूँ उसके आधार पर ही फिर वो चीजें बनती हैं। तो ये एक अच्छा एक हैप्पी टर्न हुआ। जहां तक राजनीति का सवाल है, सवाल ये है कि अगर हम महात्मा गांधी पे कोई म्यूजियम बना रहे हैं तो पहले हम महात्मा गांधी से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? हम एग्री करेंगे और फिर भारत सरकार के लिए काम करेंगे। अगर हम पटेल साहब से म्यूजियम बना रहे हैं तो पटेल साहब से एग्री करता हूं मैं कि नहीं करता हूं? मैं बिल्कुल करता हूं। तो मैं पटेल साहब का म्यूजियम बनाऊंगा, भारत सरकार के लिए बनाऊंगा, भारत सरकार मेरी सरकार है। हो सकता है कि जो पार्टी वो सरकार चला रही हो, या हो सकता है जो मिली जुली पार्टियां कोई सरकार चला रही हो, उनमें से कुछ पार्टियों के साथ मेरा जो है वो सद्भाव ना हो, लेकिन या मेरी दोस्ती ना हो, या मैं उनको सही ना समझता हूँ, लेकिन एक बार जब कोई सरकार बन जाती है तो वो भारत की सरकार होती है, और उस भारत की सरकार पे हर भारतीय का जहां तक हो पूरा अधिकार होता है और विश्वास भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, वो तो किया ही जाना चाहिए, इसीलिए डेमोक्रेसी है, तभी सरकारें बदलती हैं, तभी सरकारें आती और जाती हैं। लेकिन जो सरकार होती है वो हम सब की सरकार होती है, भारत की सरकार कोई भी पार्टी चलाए उसमें मेरा बराबर का अधिकार है, उसके प्रति मेरे बराबर के कर्तव्य। नहीं, मैं इस बात को समझता हूँ और मुझे मालूम है जो गुजरात का जो म्यूजियम है उसको देखने में कोई 2.5 घंटा लगता है, वो अद्भुत है, कहाँ कहाँ गांधी जी रहे, उसको किस तरह से आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है। और पटेल के म्यूजियम के बारे में मैंने यही सुना है, हालांकि मैंने दोनों म्यूजियम नहीं देखे हैं। पर एक बात मैं आपसे साफ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह की बाइनरी, जिस तरह का एक तरह का आइडियोलॉजिकल वैचारिक विभाजन देश में आया है, तो आप क्योंकि एक सिनेकार और एक लेखक रहे हैं, क्या इस बात को लेकर के कुछ आपको सुनना पड़ा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, हालांकि आपका विचार बिल्कुल सही है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीजें मुझे बहुत से अपने मित्रों से सुननी पड़ी हैं, हर तरह के मित्रों से, लेफ्टिस्ट मित्रों से भी सुननी पड़ी हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो सरकार के साथ, तुम सरकार के लिए क्यों काम कर रहे हो। और मुझे अपने राइटिस्ट फ्रेंड से भी सुनना पड़ा कि अच्छा अब तुम आ गए हमारी तरफ क्या। लेकिन सवाल यह है कि जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा एटीट्यूड ये होगा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एक विषय को लेकर। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मेरा कि कोई नृप होए हमें कहानी, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड नहीं कि कोई नृप होए हमें कहानी, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भारत सरकार अच्छा काम कर रही है तो मैं उसमें क्यों ना साथ दूं, अगर वो साथ देने की थोड़ी बहुत सामर्थ्य और क्षमता मुझ में है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो युद्ध के कगार पे है, और अगर ये युद्ध होता है तो क्या हमें से कोई भी भारतीय है जो कि इस युद्ध में उनका साथ नहीं देगा? क्या कोई भारतीय ऐसा था कि जब चीन के साथ पहला युद्ध हुआ था कोई औरत ऐसी थी जिसने अपनी अंगूठी और अपनी चूड़ियां ना दी हो उस युद्ध में, वो किसी भी पार्टी से कहीं से भी आती हो? तो ये जब जब किसी ऐसी चीज पे होती है कोई सरकार तो आपको उसका साथ देना पड़ता है। आप ब्रेक्सिट के साथ थे या उसके विरोध में थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब अगर ब्रेक्सिट हो गया है तो अब आप मेरे ख्याल से आप ब्रिटेन में रहने वाले लोग उसका साथ ही देंगे और सरकार का साथ ही देंगे और
ये भी कोशिश करेंगे कि अभी जब यूरोप ब्लेम कर रहा है ब्रिटेन को कि वो ब्रेक्सिट के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शायद आप भी कोशिश करेंगे कि नहीं भाई, जब हमने ये समझौता किया है तो इस ब्रेक्सिट समझौते के अंदर ही तुम अपने रिफॉर्म्स करो, उसको मत तोड़ो। वैसे ही ये है कि मेरे दोस्तों ने, दोनों तरफ के दोस्तों ने मुझे काफी सुनाया, लेकिन अगर मेरा कॉन्शियंस क्लियर है, अगर मेरा कॉन्शियंस क्लियर है कि मैं क्यों उस काम को कर रहा हूँ और कैसे उस काम को कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्शियंस क्लियर होना चाहिए। मैंने पंजाब में एक म्यूजियम बनाने में मदद की जिसका नाम है जंगे आजादी। जंगे आजादी नाम से ही जाहिर है कि वो भारत की आजादी का म्यूजियम है। उस समय पंजाब में जो थी वो अकाली दल की सरकार थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर जंगे आजादी का म्यूजियम हम बना रहे हैं और हम उसमें केवल अकाली पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अकाली पार्टी का भी बहुत बड़ा जबरदस्त हाथ था जंगे आजादी में, खास करके के पंजाब के कई आंदोलनों में और गोल्डन टेम्पल के ताले खुलवाने में, रामबाग के आंदोलन में, कैसे कैसे आंदोलनों में उनका भी हाथ रहा है। लेकिन सवाल हम अगर ये नहीं कह रहे हैं कि केवल एक पार्टी ने ही देश को आजाद कराया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे अभी मैंने बनारस में एक म्यूजियम बनाया है जिसका नाम है रस रस बनारस, वो भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए बनाया है। तो बनारस से एक ऐसा विषय है कि मैं कहूंगी नहीं नहीं नहीं, बनारस से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि वहां से तो फलाना आदमी जीत करके एमपी हुआ है और वो तो पीएम भी हो गया। बनारस से किस भारतीय को जुड़ाव नहीं है? बनारस से हर भारतीय को जुड़ाव, बनारस से अब से नहीं, बुद्ध और महावीर के जमाने से लेकर के हर भारतीय को जुड़ाव था और है, और उससे पहले से भी है, हर भारतीय को जुड़ाव है, और शंकराचार्य जी के जमाने से हर भारतीय को जुड़ाव है, और शंकर जी की वजह से हर आदमी का जुड़ाव बनारस के साथ में है, और गंगा होने की वजह से वो चाहे वो दक्षिण भारत का व्यक्ति हो चाहे कश्मीर का व्यक्ति हो, उसका काशी से जुड़ाव है, तो मेरा जुड़ाव क्यों नहीं होगा काशी से? भाई अतुल जी, मैं भले फलाने भगवान की पूजा करता हूँ या ना करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जुड़ाव काशी से है, और मैंने काशी के ऊपर म्यूजियम बनाया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और दूसरी बात, अक्सर जो लोगों को लगता है कि सरकारें इन चीजों में इंटरफियर करती होंगी या कोई पार्टी इन चीजों में इंटरफियर करती होगी, कम से कम मैंने आज तक इस तरह के इंटरफियरेंस को फेस नहीं किया है पॉलिटिकल लेवल पे। मैंने अगर इंटरफियरेंस कोई फेस किया है तो मैंने ज्यादा इसको ऑफिशियल डेम के लेवल पे मैंने ज्यादा फेस किया होगा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे मैंने इस इंटरफियरेंस को फेस नहीं किया। मतलब मोदी जी की तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं थी, आप किस तरह से अपने विजुअल, किस तरह से आप अपने विजन को साकार कर रहे थे, ऐसा कोई आपको व्यवधान या ऐसी कोई गतिरोध नहीं? यही मैंने कहा कि राजनीतिक तौर से मुझे कोई किसी व्यवधान को अभी तक फेस नहीं करना पड़ा है। ये खुशकिस्मती हो सकती है या इस बात की भी खुशकिस्मती हो सकती है शायद, कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम करें तो दूसरे आदमी को भी उसमें एक ईमानदारी नजर आती है कि इसमें क्या जरूरत है कि इसको बैठ के आप ठीक करें। अतुल जी, मैं आपके उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, आपके वामपंथी और दूसरे दक्षिणपंथी मित्र संतुष्ट है नहीं है ये मैं नहीं जानता, और आपने बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अब इस मंच को जो लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं उनके लिए समर्पित करता हूँ कि वो कुछ सवाल लें, और उसके बाद कुछ सवाल लेने के बाद हम विजय राणा जी से अनुरोध करेंगे कि वो एक अध्यक्ष के रूप में टिप्पणी करें और जो कहना चाहें कहें। तो मैं सुनीता जी से अनुरोध करूंगा कि सुनीता जी आप बताइए कि किस तरह से सवाल लिए जाएं। आज तारीफ कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि बहुत जमीनी संवाद चल रहा है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं, उसमें सभी राइटर्स शामिल हैं और कुछ लोग फिल्म और थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं उसमें। जी, अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा जी भी हैं और सुधा अरोड़ा जी भी हैं, चंद्रकला त्रिपाठी, ये सभी लोग, जितने लोग भी हैं अभी देख रहे हैं 45-49 लोग, वो सभी लोग सिर्फ सराहना कर रहे हैं, वाह, कोई सवाल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से कोई सवाल नहीं ले रही हूँ। तो आप बरी हो गए अतुल जी? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल बरी नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ बात सिर्फ इट्स नॉट ओनली ऑफ क्वेश्चंस, देयर कुड बी सम क्यूरियोसिटीज, देयर शुड बी सम क्वेरीज। तो जो भी देख रहा हूं कि कुसुम जी कोई सवाल करना चाहती हैं, अपने को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। कुसुम जी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, आपके आपके बैकग्राउंड और आपके काम के बारे में पता लगा और बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग, एंड वी कैन सी दैट यू आर वेरी मल्टीफेसेटेड, बट यू नो टुडे वी आर फेसिंग सिचुएशन इन बॉलीवुड व्हिच इज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, सो आई एम सॉरी, I will have to, if you don't mind, I would just like to ask you a question about
the present state of Bollywood, so-called Bollywood, it has become a very dirty word and looks like a very frightening place. So what is your view about this? How bad is the reality today? Well, because you work both in the mainstream films with mainstream people as well as the more meaningful kind of filmmakers who are totally different, whose funding is different. So what is your view and how would you sort of explain things to us? Because many people have concerns. Kusum ji, आपका पहली बात तो ये कि आप स्वयं जानती हैं और ललित भाई का भी इस पे काम रहा है कि जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं वो एक शब्द ही अपने आप में एक बाजारू सा शब्द है, एक चलता हुआ शब्द है जो कि हॉलीवुड हिल को देख करके हम भी किसी ने इम्पोर्ट कर लिया कभी। इंडियन सिनेमा एक अलग चीज है और अगर आप अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर आप बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल भी करें थोड़ी देर के लिए, चलिए हम मान लेते हैं कि भाई क्योंकि होने लगा है आम फहम तरह से, अब हम डालडा कहने लगे हैं, हम कॉलगेट कहने लगे हैं टूथपेस्ट को, तो चलिए हम कॉलगेट की ही बात कर लेते हैं, हम डालडा की ही बात कर लेते हैं घी के तौर पर। तो बॉलीवुड को अचानक क्यों आप ऐसा मान रही हैं कि वो इट हैज बिकम अ डर्टी प्लेस? आई थिंक इट वॉज अ मच डर्टियर प्लेस 20 ईयर्स एगो व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इन इट, देयर वाज अ लॉट ऑफ डर्टी मनी इन इट। A friend of mine had written a book called The Dirty Money, Dirty Politics. Politics में जब जब dirty money आएगा, politics को भी dirty करेगा। वैसे ही फिल्मों में जब dirty money आया था, वो चाहे दाऊद इब्राहिम का हो या दूसरे smugglers का हो या दूसरे इस तरह के लोगों का हो जिनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ ग्लैमर के लिए या अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आते थे, तो उसी तरह के मीन्स का इस्तेमाल करते थे। अभी तो बिलीव मी कि पिछले 25 साल से मैंने कैश का नाम ही नहीं देखा, सिर्फ चेक्स में ही सारे पेमेंट्स होते हैं ज्यादातर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% बंद हो गया होगा, 100% तो कोई चीज दुनिया में कहीं बंद नहीं होती है, किसी भी सरकार में किसी भी देश में 100% कोई चीज बंद नहीं होती है। सिर्फ लेजिस्लेशन से, सिर्फ काउंसलिंग से अगर चीजें बंद होने लगती तो स्लेवली खत्म होने के साथ में फिर ये जो ब्लैक मूवमेंट आज की तारीख में अमेरिका में चल रहे थे ये चलते ही नहीं, तो कोई चीज लेजिस्लेशन से तो पूरी तरह कभी बंद होती ही नहीं है। इसलिए ब्लैक लाइव्स मैटर का चलने का जरूरत ही नहीं रह जाती है। अगर सीरियसली दे हैड स्टार्टिंग मैटरिंग आफ्टर लिंकन्स फेमस अमेंडमेंट, तो लेकिन फिर भी मोटे तौर से तो काफी चीजें सुधर गई है ना। वैसे ही मोटे तौर से बॉलीवुड भी बहुत सुधर गया है, बहुत साफ जगह हो गया है और इसीलिए आज वहां तरह तरह की फिल्में बन रही है। आज वहां पे एक अनुराग कश्यप नाम का डायरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है, आज सुधीर मिश्रा नाम का डायरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है, श्याम बेनेगल वहां पिछले 50 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज वहां पे तरह तरह के लोग हैं जो कि नया काम कर रहे हैं। पुराना काम भी हो रहा है लेकिन पुराने काम में भी आप देखेंगे आज जिन नामों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि उन लोगों की भी अगर आप फिल्में देखें तो आप कहेंगे कि हाँ छिछोरे एक अच्छी फिल्म थी, हाँ महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छी फिल्म थी, हाँ क्वीन एक अच्छी फिल्म थी, हाँ फलाना एक अच्छी फिल्म थी। 3 नेशनल अवार्ड मिलते हैं कंगना रानावत जैसी अभिनेत्री को जो कि मेनली मेन स्ट्रीम से आती है, एक जमाने में मेन स्ट्रीम के लोगों का नंबर ही नहीं लगा करता था। तो कंगना रानावत तो मेनली तो मेन स्ट्रीम की एक्ट्रेस है ना, वो पैरेलल सिनेमा की तो एक्ट्रेस नहीं है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी आज उसको 3 नेशनल अवार्ड मिलते हैं, तो चीजें बदल रही हैं। हाँ, ये जो अभी पिछले 2-3 महीने में जो गंदगी हमको दिखाई दे रही है वो मुझे लगता है, वो हालांकि प्रेस वाले मेरे ऊपर शायद कूदेंगे और ये कहेंगे कि वो इट्स द हेराल्ड ऑफ द न्यूज विच इज डर्टियर देन द न्यूज इटसेल्फ। वो जिस तरह से नामों को लेकर के कुछ चैनल वाले और कुछ राजनीतिज्ञ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना में क्या है कि कोई न्यूज तो बड़ी है नहीं, व्हाट विल कैच द आईबॉल्स। आज कोरोना के 2000 हुए, कल 2500 हुए, परसों 5000 हुए, तो हो ही रहे हैं। तो क्या इसमें जो कहते हैं कि बिल्ली के भाग से छींका फूटा और उस सुशांत सिंह राजपूत ने जो इतना संस्कारी लड़का था कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी मेरे पैर इसलिए छूता था कि स्टेज पे पहली बार उसने मेरे साथ कदम रखा था और आना शुरू किया था जब मैंने 2008 में रोमियो जूलियट किया था बॉम्बे के स्टेज पे, जिसमें आदरणीय राज बब्बर जी और नादिरा जहीर बब्बर जी का बेटा आर्य बब्बर, वो भी फिल्म स्टार है, जिसने रोमियो का रोल किया था, और एक बहुत बड़ी आज की तारीख में एक्ट्रेस है रसिका दुग्गल, जिसने आप उसको बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी फिल्मों में देखे हैं, उसने जिसने जूलियट का रोल किया था उसमें पेरिस का रोल जो थर्ड हीरो है प्ले का शेक्सपियर के, वो रोल सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। अब उसकी मृत्यु हो जाती है जिस भी कारण से हुई है, उसको
उसका उसका अन्वेषण होना चाहिए, लेकिन उसका अन्वेषण टेलीविजन पे जिस तरह से हो रहा है और वो अन्वेषण छूट गया है तो चलो अब पैसे का अन्वेषण करने लगो, पैसे का अन्वेषण छूट गया तो चलो ड्रग का अन्वेषण करने लगो, कुछ ना कुछ जो किया जा रहा है ये चीजें गलत है जी। अतुल जी धन्यवाद, कुसुम जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, थोड़ा एको आ रहा है। और दोस्त मेरा प्रश्न पूरा, आई एम नॉट सैटिस्फाइड बट इट्स ऑल, आई डोंट वांट टू हॉग द होल ऑफ द शो। थैंक यू धन्यवाद। आई एम नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, आप अगर ये कहें कुसुम जी अगर आप ये बता सकें कि किस तरह से आपको आज गंदा लग रहा है तो शायद मैं उसका जवाब दे सकूं, या तो आई एग्री विथ यू कि हाँ यार ये चीजें गंदी हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इज इट ऑल एंड टोटल रूमर मॉन्गरिंग एंड जस्ट हाइप ऑफ द मीडिया एंड इट लुक्स लाइक इट वुड बी एंड मोरओवर मीडिया ट्रायल्स नोबडी लाइक्स बट इट इज द मीडिया दैट हैज ब्रॉट द होल केस इनटू लाइट सो इट लुक्स लाइक नॉट it doesn't seem like it's a very clean place or that it's more or less the same as before. Of course, there are people who have made wonderful films. There are great artists. There are great directors and writers. And they probably form a little bit of this whole of Bollywood. But maybe there are very serious issues that need to be addressed, but not perhaps with so much hype and all that media is doing. So thoda unconvincing sa lagta hai ki nahi nahi wahan sab theek hai, it's more or less the same or it might be even better, but I don't know. Kusumji aap ko dhanyawad. main sirf itna hi kehna chahunga ki hum log utne hi gande hain jitna ki hamare desh ke baki dusre sectors gande hain, wo chahe hamari police ho, wo chahe hamari rajnitik ho, hamari bureaucracy ho ya hamare aur dusre kshetra ho, jitni gandagi unme hai और उतनी गंदगी हमारे यहाँ भी होगी, उससे ना ज्यादा ना कम। एक चीज में हम लोग जरूर fortunate/unfortunate हैं कि अगर आप भारतीय अखबार उठा के देखें तो आप देखेंगे कि जितने कॉलम सेंटीमीटर्स और जितने कलर पेजेस सिनेमा को डेडिकेट होते हैं उतने किसी और चीज को नहीं होते हैं। अगर आप चैनल्स खोल के देखें तो जितना समय जो सो कॉल्ड बॉलीवुड या अगर कॉलीवुड या मॉलीवुड जो भी कहें आप उनको डेडिकेटेड होते हैं उतने किसी चीज को नहीं लेकर के, उतना समय टेलीविजन पे किसी चीज को लेकर के नहीं दिया जाता है। और उसमें भी अगर आप देखें तो जब वो जो कॉलम सेंटीमीटर्स दिए जाते हैं अखबारों में कुसुम जी, उसमें कोई ढंग की बात नहीं होगी, उसमें कोई ग्रामर की बात नहीं होगी, उसमें इतिहास की बात नहीं होगी, उसमें ग्लिटर और ग्लैमर की बात होगी। उसमें बात क्या होगी कि अपने होने वाले बच्चे को करीना कपूर खान स्तन पान कराएंगी। अरे भाई स्तन पान नहीं कराएंगी तो फिर मतलब हमने तो अपनी माँ के बारे में नहीं बताई ये बात। आज टीवी खोलते ही आपने जब माँ के बारे में पूछा कि मेरी माँ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने मुझे स्तन पान करवाया था, यानी दूसरी बारों के बारे में बात की। तो ये जो बेकार की बातें हैं ये हमारा स्पेस मीडिया का घेरती है, और उन्हीं बेकार की बातों में अगर और ज्यादा कोई मजेदार चटकारेदार बेकार की बात मिल जाए तो वो और अच्छा है। इसमें जरा कभी खोल के देखिएगा, इंडियन पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि कितने काम की न्यूज है और कितनी बिला वजह की न्यूज है, और आप देखेंगे कि बिला वजह की न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। अतुल जी, बिला वजह की न्यूज का ही ये एक तरीका है। धन्यवाद अतुल जी। देखिए दो प्रश्न मेरे पास बहुत देर से हैं, एक तो दोनों थिएटर कर्मियों के हैं, एक तो रमा यादव जी जो की एनएसडी की प्रोडक्ट है और जुड़ी है, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसके बाद ललित पोखरिया पूछना चाहते हैं जो की हमारे कुमाऊं से है। पहला सवाल रमा यादव जी आप पूछे। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी सादर नमस्कार, आपको सुनने का अवसर मिला और आपकी एक पूरी यात्रा जो हमने टेलीविजन पर देखी और जो आपको सुना उससे एक समृद्ध तो हुए। सर मेरा सवाल है, मैं 2001 के बैच से श्री राम सेंटर से हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से इस तरह से जुड़ी हूँ कि मैं भानु भारती जी के साथ 20 सालों से काम कर रही हूँ। अरे वाह। और मैंने उनके साथ अंधा युग और तुगलक को असिस्ट किया है जो फिरोजशाह कोटला में हुए थे। तो अभी मेरे साथ के कई अभी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं क्योंकि मैं शून्य थिएटर ग्रुप चलाती हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलके, और मेरे कई समकालीन जो मेरी ही हम उम्र, क्योंकि आप अभिनेता भी हैं, आप रंगकर्मी भी हैं
और वो बात अलग है कि आपकी यात्रा या शुरू तो रंग कर्म से हुई पर आगे सिने जगत चली गई। लेकिन जो अभी प्रतिबद्ध अभिनेता हैं जो नहीं गए, मतलब बहुत सारे आपको पता ही होगा विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि नहीं हमें सिर्फ रंग कर्म ही करना है, जो नहीं उन्मुख हुए मुंबई की ओर अब। और थोड़ा सा सवाल मेरा अलग है कि कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि स्थितियां बहुत ही अभिनेताओं की या रंग कर्मियों की, जो सिर्फ मेरे पास तो खैर सैलरी आती है, मैं कॉलेज से भी जुड़ी हूँ, लेकिन वो रंग कर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेहनत जो वो लोग कर रहे हैं, तो एक तो उनके लिए ये समय इतना विकराल आ गया, 6 महीने से लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं भी उनकी दोस्त होने के नाते सीधे सीधे जूझ रही हूँ। और अब उन लोगों ने तो आना भी बंद कर दिया इस तरह से। मैं तो आज आई क्योंकि आपको सुनने का लोग संवरण में नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर मैं एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते सोचूं तो आज मेरा इस तरह के समारोह में मेरी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। रीजन ये कि वहां पे लोग बहुत सफर कर रहे हैं। और दूसरा, एक 90 के शुरू के दशक से आप अपना सवाल पूछे हैं, ये इस सवाल है कि आज थिएटर की क्या गति है हमारी, या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम क्या कर सकते हैं। जी, रमा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप भानु जी से इतने लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं, श्री राम सेक्टर से निकलने के बाद से, ये भी बहुत अच्छी बात है। भानु जी से मैं भी बहुत अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं सेकेंड ईयर NSD में पढ़ता था तभी हमने भानु जी के साथ एक नाटक करना शुरू किया था जिसका नाम था चंद्रमा सिंह उर्फ चंपू, जो भानु जी का लिखा हुआ नाटक था। और उस चंपू के सिलसिले में भानु जी चाहते थे कि हमारा पूरा क्लास कोई एक गांव देखे एक जैसा, क्योंकि NSD में लोग जगह जगह से आते हैं भारत में, हर एक का गांव का कॉन्सेप्ट अलग होता है। जो केरला से आया उसका गांव अलग होता है, और जो नेपाल से आया उसका गांव अलग होता है, और जो आसाम से आया उसका गांव अलग होता है, और जो कश्मीर से आया उसका गांव अलग होता है। तो बाकी कौन सा गाँव चल के देखा जाए। और मैं भानु जी के साथ में अपने पूरे 25 क्लासमेट्स को लेकर के अपने गाँव गया था, उन्नाव जिले में लखनऊ के पास। तो मेरी बड़ी मीठी यादें हैं, कुछ कड़वी यादें भी हैं, जो भानु जी आपको जब मिलेंगे तब बताएंगे, उनसे ही पूछिएगा ये आप। लेकिन सवाल ये है, आपका जो प्रश्न था वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि कोविड काल में, कोरोना काल में वो आर्टिस्ट जो बम्बई नहीं गए हैं वो क्या करें। तो पहली बात ये है कि बम्बई वालों की भी हालत उतनी ही खराब है जितनी कि बम्बई न जाने वालों की खराब है, बल्कि बम्बई वालों की थोड़ी ज्यादा हालत इसलिए भी खराब है कि बम्बई में किराए इतने ज्यादा देने पड़ते हैं कि आपका रहना वहाँ मुश्किल हो जाता है। और आज अगर मैं आपको अपने SMS खोल के दिखाने लगूँ फोन पे कि कितने लोगों को किराए की आवश्यकता है जिनको घर छोड़ने पड़ रहे हैं, और घर छोड़ने पड़े तो मुंबई में जिस तरह से दिल्ली में आप एक साथ आकर के रह लेते हैं, दोस्तों के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, वो भी संभव नहीं होता है। अक्सर मकान मालिक अलाउ नहीं करता है, अक्सर मकान की लेंथ और ब्रेड्थ अलाउ नहीं करती कि आप उसमें दूसरों को साथ में रख सकें, जो दिल्ली में अक्सर संभव हो जाता है। तो दिल्ली की बरसाती में जो चीज़ें संभव हो जाती है वो बम्बई की बरसात में संभव नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बात है। और ये सही बात है कि थिएटर आर्टिस्टों के लिए तो बहुत ही बुरा समय है, और मेरी कई कलाकारों से भी इस बारे में बात हुई है, कई लोगों ने कोशिश भी की है, और शायद है कि थिएटर आर्टिस्ट को भी उसी तरह से मदद सरकार को देनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स को दी थी। थोड़ी ही दे पाई है सरकार, लेकिन थोड़ी बहुत मदद दी सरकार ने। प्राइवेट पार्टीज ने मदद दी, लेकिन दी थिएटर वालों को तो वो मदद भी ना हम मांगने गए, हमारा भी सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ा है, और ना हमको किसी ने ये सोच करके दी है, क्योंकि थिएटर तो हमारे जहन में ही नहीं आता है। फिल्में तो फिर भी हमारे जहन पे आ जाती है, थिएटर तो हमारे जहन में ही नहीं घुसा है अभी हिंदुस्तानियों के, और जो घुसा भी था वो भी टेलीविजन आने के बाद में धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली निकल चुका है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फिल्म एक ऐसी कला है जो कि चलो आज फिल्म हॉल बंद है, हम OTT प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे, आज एक साथ शूट नहीं कर सकते तो ऐसी चीज कर लेंगे कि एक को इस कमरे में, दूसरे को उस कमरे में शूट करो, और कहीं का जोड़ा, राम बानमती ने कुनबा जोड़ा, हमारी फिल्म बन जाएगी दो अलग अलग स्पेसेस में भी शूट करके। लेकिन थिएटर तो एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, थिएटर तो वो फुटबॉल है जो दो अलग अलग मैदानों में नहीं खेला जा सकता है, थिएटर तो बॉक्सिंग है जिसमें दोनों लोगों का एक ही स्पेस में होना बहुत जरूरी है, दो कलाकारों का और ऑडियंस का और कलाकार का, दोनों का एक ही स्पेस में होना बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए कब एरिना खुलेंगे,
ये प्रश्न चिन्ह सारे कलाकारों के सामने हैं, इसीलिए बहुत से कलाकारों ने भी इस चीज की अपील की है, हम लोग भी अपनी अपनी तरह से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं संगीत नाटक अकेडमी से जुड़ा हुआ था, अब तो मैं भी, मेरा भी टर्म खत्म हो चुका है, लेकिन वहां से भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोशिशें फलीभूत नहीं हुई हैं। कुछ लोगों को जिनको पेंशन वगैरह मिलती थी कलाकारों को, बहुत छोटी पेंशन होती है, किसी को 2000 किसी को 4000 रुपए महीने, वो जरूर भारत सरकार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत ही, उसका कवरेज बहुत ही लिमिटेड है। तो ये सचमुच एक प्रश्न चिन्ह वाला समय है, लेकिन इस समय शायद हम सबको किसी किसी और कामों में लगना पड़ेगा, इसलिए भी लगना पड़ेगा कि हमारे चूल्हे भी जलते रहे, हमारे घर भी चलते रहे और हमारा दिमाग भी ठीक रहे। और बिलीव मी कि थोड़े दिनों कोई और काम करने से ऐसा नहीं होगा कि थिएटर हमारा छूट जाए। रमा बटोल ब्रेथ की एक बहुत अच्छी लाइन थी कि समटाइम्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अवर बीइंग एक्टर्स एंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मे बी गोइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, मे बी गोइंग फ्रॉम टीचिंग, मे बी गोइंग फ्रॉम टेलरिंग, मे बी गोइंग फ्रॉम समथिंग एल्स। तो इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समाप्त किया आपने अतुल जी। ललित जी आप अपने को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें और अपने सवाल को बिल्कुल सवाल रखें, उसको उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा ना दें ताकि समय बचे। धन्यवाद ललित जी, और मैं जयश्री जी को भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पहले मेरा नंबर आने दिया। अच्छा अतुल जी थिएटर में मेरे बड़े भाई हैं, अगर राजबिसारिया साहब मेरे पिता हैं थिएटर में तो अतुल जी मेरे बड़े भाई हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी जिंदगी का जो पहला एकेडमिक फॉर्मल प्ले कहा जाए वो इन्हीं के डायरेक्शन में रहा है, बर्तोल ब्रेख्त का इन्फॉर्मर, और इनके जरिए हमें वर्ल्ड थिएटर की कुछ इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल पर मिलती रही और ऐसे रिनाउंड लोगों के बारे में पता चलता रहा जिसमें फिट्ज बेनिफिट साहब एक हैं थे। मैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चन करना चाहूंगा। मैंने उनके दो प्रोडक्शन देखे, एक तो एनएसडी 85 में हैमलेट जिसमें पीयूष मिश्रा जी ने काम किया था, दूसरा बीएनए रिपर्टरी में जब हम काम कर रहे थे तो उन्होंने गैलीलियो प्ले डायरेक्ट किया था जिसमें मैं उनका एक तरीके से असिस्टेंट था। तो मैंने फिट्ज साहब का ये काम देखा, जैसा कि अभी आपने श्याम बेनेगल जी के बारे में कहा था कि डायरेक्टिंग लेस लीस्ट डायरेक्शन एंड द प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम, तो मेरा फिट्ज साहब का जैसा और कोई आदमी भारत में आएगा ऐसा, जो अब तो वो दिवंगत हो गए, जो शेक्सपियर जैसे प्ले को भी इतनी सहजता से कर सकते थे, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई डायरेक्शन डायरेक्टर भारत में भी पैदा हो या बाहर से कोई आदमी आए जो भारत के कलाकारों के साथ काम करे ऐसा? अब मैं ललित जी तो नहीं कह सकता हूँ, वो तो मैं ललित मोहन जोशी जी को ही कहूंगा, तुम्हें तो मैं ललित ही कहूंगा ललित। तो ललित ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, जबकि बहुत सी चीजों से आज तुम बहुत बड़े हो गए हो। अभी रमा ने जिस प्रजाति का वर्णन किया था वो प्रजाति अभिनेताओं की, वो प्रजाति रंगकर्मियों की जो केवल थिएटर में ही डेडिकेटेड रहती है, टेलीविजन में या फिल्मों में नहीं जाती है, वो प्रजाति आज की तारीख में विलुप्त तो होती जा रही है, मगर ललित उस प्रजाति के एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं ललित सिंह पोखरिया की बात कर रहा हूँ, वो प्रजाति जो कि बंबई नहीं चली जाती है, थिएटर में ही बनी रहती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाई उसे फेस करनी पड़े। और ये बात ललित मैं सिर्फ तुम्हारे सामने आज हो तुम मौजूद नहीं कहता हूँ, कभी तुम लखनऊ के सीनियर रंगकर्मियों से, सुरमोहन जी जैसे लोगों से पूछना कि मैं इस विषय में तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूँ। आज भी तुम रंगमंच के लिए जो काम कर रहे हो लखनऊ में, और जिस तरह बीएनए के पुनरुत्थान के लिए तुम लड़ रहे हो, सब बातें मुझे पता है और मैं तुमको इन चीजों के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जैसे तुमने कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अगर प्रोफेसर राजबिसारिया जैसा एक फादर फिगर मिला तो मेरे जैसा एक बड़ा भाई मिला, वैसे ही मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, बल्कि मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि आई एम अ बास्टर्ड चाइल्ड, मेरा कोई एक पिता नहीं है इस कला के क्षेत्र में, इस रंगमंच के क्षेत्र में। मुझे जहाँ राजबिसारिया जैसा पिता मिला, वहीं मुझे बीवी कारण जैसा बाप मिला, वहीं मुझे केवी सुब्बन्ना जैसा एक और पितृवत एक मित्र मिला, और वहीं फ्रिट्ज बेनिविट्स जैसा मुझे एक और फादर फिगर मिला जर्मनी में और इंडिया में। सच बात है कि उनके जैसे लोग तो आज नहीं होते हैं, और उनके जैसा लोग होने के लिए जिस जिस जीवन की यात्रा से कठिनाइयों से वो गुजरे थे, वो चाहे जर्मनी की थर्ड राइख में एक फौजी होना, लड़का 17-18 साल के लड़कों को उन दिनों
हिटलर साहब अपनी फौज में ले लेते थे, तो हिटलर के लिए लड़ने से लेकर के फिर युद्धबंदी हो जाने से लेकर के युद्धबंदी के तौर में कोयले की खदानों में काम करने से लेकर के रूस में, और इन चीजों से भुगतते हुए जिस तरह से वो कलाकार हुए और कलाकार होकर के न सिर्फ यूरोप के बल्कि एशिया के एक श्रेष्ठ कलाकार बने, क्योंकि एशिया के कई देशों में, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भारत हो, उन्होंने जितना काम किया वो बहुत बड़ा अभिदान है। और मजे की बात यह है कि आज उनके जैसे व्यक्ति के काम पे जब किताब लिखने का नंबर आता है तो न एशिया उन पे किताब लिखता है, न जर्मनी उन पे किताब लिखता है, उन पे किताब कनाडा में लिखी जाती है। तो एक कैनेडियन विद्वान ने उन पे बहुत अच्छी किताब भी लिखी फ्रेंड्स बेनिफिट्स पे। उनके जैसे लोग तो ललित अब शायद नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सही बात है कि जो तुमने बात कही कि मिनिमम डायरेक्शन के साथ जो हमको ज्यादा सिखा सके, जो कोड़े ना मारे वही सवार अच्छा होता है, जिस सवार को कोड़े मारने पड़े और जिस सवार को बहुत ज्यादा रास खींचनी पड़े, और इसके लिए घोड़े में और सवार में एक तादाद पे भी जो होना चाहिए वो भी जरूरी है। मैंने फ्रिट्स को 13 साल तक असिस्ट किया, जब मैं स्वयं डायरेक्टर बन चुका था, जब मैं ललित मुखर्जी जैसे लोगों को डायरेक्ट करता था तब भी मैं फ्रिट्स बेनिफिट्स को असिस्ट करता था और दौड़ दौड़ के असिस्ट करता था। जब मैं अपनी फिल्में लिख चुका था बंबई के लिए, जब मैं श्याम बेनेगल जी के साथ काम कर चुका था बंबई के लिए, तब भी मैं फ्रिट्स बेनिफिट्स को जरूर असिस्ट करता था। और आखिरी असिस्टेंस मैंने बंबई में 92 में किया उनको, जब वो बंबई में मैं फाउस्ट का प्रोडक्शन करने के लिए आए थे, जो गोएटे का लिखा हुआ था। वो गोएटे और शिलर के शहर में ही वायमा में ही रहते थे, वहीं वो नेशनल थिएटर वायमा जो था, जो दशिश नेशनल थिएटर, जर्मन नेशनल थिएटर कहलाता था, उसके वो आर्टिस्टिक डायरेक्टर थे। और जब वो गोएटे का प्ले करने के लिए आए थे, जिसका NCPA ने प्रोडक्शन किया था, तो उसमें मैंने उसका अनुवाद किया था, और मैं उनका तुम्हारी तरह जो तुमने जो काम किया था उनके गैलीलियो में, उसी तरह मैं फिर से उनके एसोसिएट डायरेक्टर था। और जो दो अभिनेताओं ने इसमें रोल किए थे उनके नाम मैं आपको बता दूं, इसमें मैं जो फाउस्ट है उसका रोल किया था एक अभिनेता है, शायद आप लोग जानते हो, जिनका नाम है पंकज कपूर। और मेफिस्टोफेलिस का काम किया था एक अभिनेता जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। और उसमें जो 16 साल की बच्ची है जिससे कि मोहब्बत हो जाती है फाउस्ट बूढ़े को, उसका रोल किया था आयशा धारकर ने, जो आज ललित जी के लंदन में रहती हैं और थिएटर में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। बहुत बहुत तो ये उसकी कास्ट थी। बहुत अच्छा जवाब दिया अतुल जी आपने। मैं एक सवाल और लूंगा, इसके बाद विजय जी को सौंपूंगा। एक चीज का मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ आपकी इस बात के, कि जिस तरह की बात आपने कही कि आप जा के असिस्ट करते थे, एक ऊंचाई हासिल करने के बाद भी एक आम असिस्टेंट की तरह, ऐसे लोग सब जगह हैं, ऐसे लोग ब्रॉडकास्टिंग में भी है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, एक निक हेडन हुआ करते थे हमारे BBC वर्ल्ड सर्विस में, एक टाइम था जबकि मैं उनके लिए काम करता था और वो उसके एडिटर थे साउथ एशिया रिपोर्ट के, तो जब वो जब मैं उनके लिए कोई टेप एडिट करता था तो वो मेरे पास आते थे और कई बार ये कहते थे ललित तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो मुझे पहली बार जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा अरे ये हमारे बॉस हैं पूरे सेक्शन के, एंड ही इज आस्किंग मी टू एडिट माई टेप। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो है बहुत महान होते हैं, उनके लिए कोई ये नहीं होता कि मेरे से छोटा है या बड़ा है। एनीवे मैं अब आखिरी सवाल पूछूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा जयश्री जो कि टेक्सास से हमारे मित्र हैं, जयश्री आप अपना सवाल पूछिए। थैंक यू ललित जी। मेरा क्वेश्चन अतुल तिवारी जी से है। पहले तो मैं थैंक्स दूंगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आपसे बात करने की। थैंक यू सो मच ललित जी फॉर ब्रिंगिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये अभी रिसेंट सिचुएशन है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बाद का बॉलीवुड आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो सिचुएशन हुई उनकी डिमाइस के बाद, एक वो एंगल हम लोग सबको पता चला जो पहले हम लोग रील और रियल लाइफ में डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, और ज्यादातर लोग स्पेशली जो बाहर हैं जैसे कि मैं हूँ, हम लोग जो मूवीज देखते हैं उनको उनके जो किरदार हैं उनको उनके फेस वैल्यू पे लेते हैं, बट ये साइड जो पता चला हम लोगों को, इसके बाद से लोगों की जो वो थी धारणा वो बदल गई है कुछ बॉलीवुड के लिए। तो आगे का जो फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड आप क्या सोचते हैं, क्या होगा इसके बाद? थैंक यू। जयश्री जी अगर एक सेंटेंस में मुझे आपका जवाब देना होगा तो मैं यही कहूंगा दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा,
और बॉलीवुड फिर वहीं आ जाएगा जहां था। अब अगर हम चीजों की बात करें जो कि कुसुम जी ने भी सवाल किया था कि अचानक कुसुम जी जो फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और कम से कम साउथ एशियन फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, अगर उनको भी ऐसा लगने लगा तो मैंने पूछा था कि स्पेसिफिकली अगर आप बताएं कि क्या क्या गंदा हो गया है। तो अगर जयश्री जी हम में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि अरे बॉलीवुड में ड्रग्स ली जाती हैं, कुछ लोग हमेशा से ड्रग्स लेते थे, बॉलीवुड में भी लेते थे, भारतीय राजनीति में भी लेते हैं, बहुत से नामों को आप भी जानते होंगे, मुझे उन नामों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ तो हाँ। इसलिए या अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे पुलिस में करप्शन होता है, तो पुलिस में करप्शन जो है वो कहाँ नहीं होता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, एलए कॉन्फिडेंशियल नाम की फिल्म देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस एंजलिस में भी पुलिस में करप्शन होता है, मतलब कि अमेरिका में भी पुलिस में करप्शन होता है। अगर क्या हम अब मतलब सवाल ये है, इसीलिए आई जस्ट फिनिश माय थिंग, सो दिस इज लेट्स नॉट बी सो नाइव टू थिंक कि ये सिर्फ एक ही जगह होता है और अचानक होने लगा है। अभी पिछले 3 महीनों में कोविड के बाद से बॉलीवुड को लगा कुछ करने को नहीं है तो चलो नशा कर लेते हैं, और पुलिस को लगा चलो करप्शन कर लेते हैं, और नेताओं को लगा कि चलो जनता से झूठ बोल के उनको लूट लेते हैं। ये सब तो चीजें हमेशा से होती रही हैं। मैं अभी क्योंकि कोविड काल में बहुत समय था तो मैंने दोबारा बैठ करके गॉडफादर 1, 2 और 3 देखी और फिर मुझे लगा कि चलो गॉडफादर फिर से पढ़ी जाए, और मैं मारियो बुजो की गॉडफादर फिर से पढ़ने लगा जो कि 40s और 50s में उनकी किताब जो पहली किताब जो है वो 40s और 50s में लोकेटेड है। तो 40s और 50s की किताब में अगर देखें आप तो उसमें भी आपको पता चलता है कि बदमाश क्या क्या करते थे और बदमाश ऑस्कर तक दिला देते हैं किताब में। तो अगर आपको याद हो वो जो लड़का जो फाउंटेन क्या नाम है जिस लड़के का जो गाने के लिए आता है जो कि गॉड चाइल्ड है गॉड फादर का, ये हमारी कहानी नहीं भारत की, तो अमेरिका की कहानी, और वो कहानी जो पॉपुलर हुई तो थोड़ा बहुत उसमें सत्य भी रहा होगा। यशु जी तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप अमेरिका में रहती है, तो अमेरिका में 40 में तो ऐसा लिखा था एक राइटर ने कि ऑस्कर भी दिलवा दिया उसको डॉन ने, तो अगर ऐसा था और वो कहानी को लोगों को सच लगी तभी तो इतनी बिकी होगी, तभी तो इतनी चली होगी, तो शायद इसमें भी सच होता होगा। हो सकता है सच आज तक चला रहा हो, क्योंकि चीजें तो नहीं बदलती ना, करप्शन नहीं बदलता है, कुछ चीजें कभी बदलती नहीं है, कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है कहीं थोड़ा बदल जाता है। चाइना में हो सकता है कि करप्शन सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चलता हो, रशिया में हो सकता है करप्शन सिर्फ प्यूटिन का चलता हो, अमेरिका में किसका करप्शन चलता है ये तो जयश्री जी आप ही पता चलती है, भारत में मुझे पता है कि हर लेवल पे करप्शन चलता है, चाहे वो नेता का हो, चाहे वो अफसरों का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जनता का हो, चाहे वो मेरे बॉलीवुड का हो, हर तरह का करप्शन चलता है। पैसा भी चलता है, सेक्स भी चलता है, शराब भी चलती है, ड्रग्स भी चलती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हर समाज में वी आर नॉट मोनोलिथ्स कि जहाँ सब लोग एक ही जैसे होते हैं, सब लोग एक जैसे कहीं नहीं होते हैं, किसी समाज में नहीं होते हैं। और कम से कम मेरा ऐसा विश्वास और मानना है, बिकॉज आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, कि हर समाज में ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी होती है। गॉडफादर्स अमेरिकन सोसाइटी में 40s में भी थोड़े होते थे, इटालियन माफिया था तब तक रशियन माफिया नहीं आया था, रशियन माफिया आने के बाद में इटालियन माफिया के दिन गुजर गए होंगे, बीच में किसी और का माफिया आ जाएगा, ये चीजें बदलती रहती हैं, परमानेंटली कोई नहीं रहता। नहीं वो चीजें मैं एग्री करती हूँ आपसे, लेकिन जैसे यहाँ अमेरिका का तो सबको पता है कि यहाँ पे हॉलीवुड में ये सब सालों साल से चला आ रहा है, तो वो एक नई बात नहीं है। पर इंडिया का जो कल्चर है उसके हिसाब से जो हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ भी हर इंडस्ट्री में करप्शन है, पर इस पर्टिकुलर केस में जो सुशांत के साथ हुआ वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ इशारा करता है कि ऐसा भी होता है जो लोग बाहर से हैं, कुछ लोग जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ गए, ये सुशांत बेचारा नहीं हो पाया या जो भी हुआ वो गलत संगत में पड़ गया, वी डोंट नो येट कि क्या हुआ, लेकिन इसके वजह से जो हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए जो यंग पीढ़ियां हैं वो लोग इन लोगों को देख के ही आगे बढ़ती हैं। अब ये कल्चर पता चल गया, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ कल्चर ऑफ एनी इंडस्ट्री, इट टेक्स इयर्स एंड इट मे टेक एजेस। डेफिनेटली जयश्री जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात पे आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि बिल्कुल सही बात है कि किसी भी इंडस्ट्री में बाहर वालों को आने में थोड़ी दिक्कत होती है, राजनीति में भी अगर आप देख लें, आज पार्लियामेंट में आप देख लें तो आपको कितने लोगों के पुत्र मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कितनों के राजनाथ जी का पुत्र,
एमएलए है, फलाने के पुत्र अनुराग ठाकुर आज वो फलाने हैं, ठिमकाने हैं आज, मतलब कितने पुत्रों की बात की जाए किसी भी पार्टी से। और ऑफकोर्स कांग्रेस में तो बहुत सारे पुत्र हैं ही, वो चाहे वो पुत्र वो जो कांग्रेस के शासन में हो या उन उन पुत्रों का विरोध करने वाले दूसरे पुत्र हो, जतिन प्रसाद जैसे, वो भी किसी ना किसी के पुत्र ही है ना जी। तो वो जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं, वो सोनिया गांधी के पुत्र नहीं है, मैं तो नाम ले देता हूँ, चलिए तो क्या होगा। इस तरह से पुत्र तो सब तरफ है, लेकिन सवाल ये है कि मैं एक मिनट बात करके एक सेंटेंस में अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मुझे हंसी कभी 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 तब आती है कि सबसे ज्यादा इस चीज को नैरेटिव में लाने वाली जो एक्ट्रेस थी वो स्वयं बाहरी हैं, उनको कैसे इतनी सफलता मिल गई, उनको कैसे कमर्शियल फिल्मों में कैसे इतनी सफलता मिल गई, और उनको कैसे 3-3 नेशनल अवार्ड मिल गए। वो तो स्वयं बाहर की थी या उनका कोई गॉड डैडी या शुगर डैडी या जो भी कहलाता है वो था। तो जो इशारा कर रहा है, अगर वो आगे बढ़ सकता है तो दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी बात जो है कि एक भारत के जो आपने चरित्र की बात की कि भारत में ऐसा भारत का एक कल्चर है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत का कल्चर कहाँ है, क्योंकि मेरे लिए भारत का कल्चर भास में है और मेरे लिए भारत का कल्चर कालिदास में है, उसी कालिदास में है जहाँ की जब एक व्यक्ति सीधा साधा एक मछुआरा, गरीब मछुआरा, जब उसको मछली में अंगूठी मिलती है तो वो राजा को देने जा रहा, साहब एक अंगूठी निकल आई, और पुलिस वाले पकड़ के उसको पीटते हैं और उससे घूस लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरा कालिदास है, मेरा कल्चर। तो कालिदास की पुलिस तो इतनी करप्ट थी, अगर भास की पुलिस की आप चलती की तरफ चले जाएं आप, तो आपको अभिमारक नाम का एक भास का नाटक है, जो 13 कुल नाटक भास के मिलते हैं जो कालिदास से भी पहले हुए। तो अभिमारक नाटक में आप देखेंगे कि एक आदमी चोरी, चोर जो है वो सेंध लगा रहा है और 4 पुलिस वाले वहां पहुंच गए और एक कहता है इशारे से कि पकड़ो, कहता है ना मत पकड़ो, अभी इसको अंदर घुसते तो तब पकड़ेंगे, तब तो कोई एविडेंस होगी, अभी तो ये दीवार पे निशान बनाना है, बना लेने दो। वो पहले पुलिस, पहले वो चोर को अंदर घुस जाने देते हैं, जब वो चोरी करके निकलता है सामान के साथ, तब उसको 4 पुलिस वाले पकड़ते हैं और फिर कहते हैं हमसे सामान तुम बांट लो वरना हम तुमको पकड़ लेंगे, हमने तुमको रंगे हाथों पकड़ा। पहले नहीं उसको प्रिवेंटिव उसको नहीं करते, कस्टडी में नहीं लेते, सामान चोरी हो जाने के बाद भी ये नहीं कहते कि वापस करके आओ। ये कौन थे? भास थे। तो मुझे पता नहीं है कौन सा भारतीय कल्चर है जिसमें हम सब लोग बड़े शुद्ध विशुद्ध और विश्वगुरु हुआ करते थे, मुझे पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपके सवाल के, आपके जवाब के लिए, और जयश्री और कुसुम दोनों के सवाल बहुत सख्त थे और मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और अतुल जी के जवाब, मैं विजय राणा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक सवाल मैं अवॉइड नहीं कर सकता, वो सुनीता जी करना चाहती है, सुनीता जी हमें असिस्ट करती है, इसलिए सुनीता जी को स्पेशल दर्जा हासिल है। आप अपना सवाल पूछे और बहुत संक्षिप्त रूप से अतुल जी का जवाब दें। सुनीता जी, मेरा एकदम बिल्कुल छोटा सा सवाल है, हिंदी सिनेमा को वेब सीरीज ने कितनी चुनौती दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुरू शुरू में जब जब सिर्फ विदेशी वेब सीरीज आना शुरू हुई थी तो वो एक चुनौती थी, वो एक आपदा थी, मगर उस आपदा में बहुत जल्दी अवसर हिंदी सिनेमा ने ढूंढ लिया है और इसीलिए आज आप देखेंगे कि सारे लोग आज वेब सीरीज से जुड़ चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी भविष्य में जुड़ जाएंगे। उसमें ये जो आपदा आई, इसीलिए अमिताभ बच्चन की जैसी फिल्म भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गई, कम से कम देख ली गई। बल्कि मुझे कुछ मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र लोग शायद इस बात के लिए मुझसे नफरत करने लगे जब मैं बंबई वापस जाऊंगा लौट करके, जिसमें फिल्म की लेखिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त जूही चतुर्वेदी जी भी शामिल हैं। अगर मैं ये कहूं कि, और ये लखनऊ वाला हो गया, हम दोनों लखनऊ के हैं, जूही चतुर्वेदी इस फिल्म की लेखिका भी और मैं भी, और अगर मैं ये कहूं कि हो सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने और इस आपदा ने उस फिल्म को बचा लिया, वरना मुझे पता नहीं कि थिएटर में कितने दिनों ये फिल्म चलती। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने और इस आपदा ने और इस अवसर ने, और इस अवसर ने उस फिल्म को बहुत सारी आई बॉल्स दे दी, बहुत से लोगों ने उस फिल्म को देखा, तो उसको हम लोग उस आपदा को हम अवसर में बदल चुके। चलिए, प्रधानमंत्री का स्लोगन हिट हो गया बॉलीवुड के इंडस्ट्री में। ललित सर, एक प्रतिक्रिया है, मैं उसको यहाँ पर रख देती हूँ, सुधा अरोड़ा जी का है मुंबई से, अतुल जी को वो कह रही है बहुत सही, लेकिन दूसरी उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है मुझे लगता है इस पूरे कन्वर्सेशन के लिए। वो कह रही है मीडिया का ही करामात है कि विदेश में भी सुशांत और कंगना खास मुद्दे बने हुए हैं, उन्हीं पर सवाल पूछे जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें दरकिनार हो गई। बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद। अब मीडिया के क्या है कि मीडिया के
बहुत सारे भाई बहन है ना, मीडिया तो एक परिवार है, मीडिया में अखबार भी है, मीडिया में टेलीविजन भी है, मीडिया में फिल्में भी हैं, हमारी भी मास मीडिया का है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस चीज की ओर इंगित कर रही हैं सुधा जी, मेरी बहुत बड़ी हैं और बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान है मेरे जीवन में। जितना उन्होंने मुझे इनकरेज किया है मेरे यंगर डेज से, वो मुझे जब जानती भी नहीं थी तब कहीं से खोज खोज के मुझे फोन किया करती थी मेरे लेखन के बारे में कि आप कौन साहब हैं, आप क्यों ऐसा लिखते हैं कि मैं द्रवित हो जाती हूँ और हिल जाती हूँ वगैरह वगैरह, इस तरह से उन्होंने मुझे इनकरेज किया है। मेरे ख्याल से वो जिस मीडिया की ओर वो इंगित कर रही हैं वो मीडिया है टेलीविजन का मीडिया, टेलीविजन न्यूज मीडिया है, वो फिल्म मीडिया की बात नहीं कर रही है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि आपने केवल बॉलीवुड के डर्टी उस पर बात की है, सुशांत पर ही बात की, जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए, पर आज की इस कन्वर्सेशन में बहुत गंभीर सिनेमा पे बात हुई है और बहुत अच्छे अच्छे विचार आए हैं, अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आज जो श्री गणेश हमारे परम मित्र अतुल जी ने किया है, इसके आगे जो बागडोर सवाल है, हम सत्यू साहब से बात करेंगे, श्याम बेनेगल से बात करेंगे और आपके गुरु राज विसारिया से भी बात करेंगे, उन्होंने हमें वादा किया है। और अब मैं अनुरोध करता हूँ अपने वरिष्ठ मित्र विजय राणा जी से कि वो अध्यक्ष के रूप में अपना संभाषण करें और अपनी बात करें। धन्यवाद ललित, पहले तो इतना सुंदर आयोजन आपने किया आज, और अतुल जी को सुनकर तो लगा कि हम लोगों ने साथ साथ अपनी वैचारिक यात्रा की है। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, और मैं कहूँगा बधाई हो इसके लिए, कि आप एक अच्छे कम्युनिस्ट नहीं बने, क्योंकि मैं हमेशा से ये मैं मानता हूँ कि विचारधारा जो है वो आपको बौद्धिक हथकड़ियां पहना देती है, विचारधारा जेल है, और विचार जो है वो उन्मुक्त आकाश में विचरण का आपको अवसर देते हैं। तो आप हमेशा जिस तरह से, मैं लगता है कि जो आपकी विचार यात्रा है, एक तरफ म्यूजियम्स बना रहे हैं, एक तरफ फिल्में लिख रहे हैं, नाटक आप कर रहे हैं, बड़े बड़े नाटक थिएटर के जो डायरेक्टर्स हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो उड़ान आपने भरी है आकाश में, ये जो विचरण किया है, ये संभवतः इसीलिए हुआ कि आप एक विचारधारा की हथकड़ियों में बंध कर नहीं रह गए, बधाई हो। और आपको जो मैं सुन रहा था तो मुझे लगता था कि इन्हीं रास्तों पर तो मैं भी चलता रहा हूँ पीछे पीछे, और कहीं ना कहीं भेंट भी आपसे हुई होगी, और मैं आश्चर्य कर रहा था मैं अब तक मिला क्यों नहीं, जबकि रास्ते हमारे एक से थे। मुझे सबसे जो खुशी की बात लगी, आपने कहा कि बेनेगल यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाने का एक छोटा सा वाक्या, छोटा सा हिस्सा, मुझे भी छोटा सा अवसर मुझे भी मिला था 1985 में या 87 संभवतः वो था, जब वो भारत एक खोज के सेट पर मैं गया और एक बहुत लंबी सी मेज हुआ करती थी जहां जिसमें लंच ब्रेक होता था, तो बेनेगल साहब के बराबर में बैठ करके वहां लंच करने का भी अवसर मुझे मिला। और वो जो इंटरव्यू करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने संभवतः ललित और शिव यहाँ जानते होंगे, ममता जी को भी मैंने कई बार कहा होगा कि बेनेगल साहब के इतिहास की समझ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से भी कहीं आगे है, वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और फिर ललित के यहाँ भी, और कई बार उनसे बहुत पास से नजदीक से बैठने का मौका मिला, तो उसकी एक झलक मुझे आज यहाँ आप में भी दिखाई पड़ी। और जो गोविंद पल्लव पंत का जो रोल मैंने देखा आपका, एक छोटा मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एक दोस्त हुआ करते थे राज्यसभा टेलीविजन में, कुर्बान अली, अभी भी हैं। जी अभी जी कुर्बान साहब का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, ये सीरीज रिकमेंड की और लंदन में देखने को, तो मैंने इंटरनेट पे ये सारी सीरीज देखी। तो संविधान में मेरी संविधान के अध्येता के रूप में इतिहास में पढ़ाता था पहले, बीबीसी ज्वाइन करने से पहले, तो मेरा जो पीएचडी है वो भी संविधान के विकास के ऊपर ही, आजादी से पहले अंग्रेज क्या प्रस्ताव करते थे, तो ये सब मेरा रुचि था। और मैंने देखा, और वही बात जो बाद में यहाँ ललित ने भी इंगित की, एकदम कोई ये नहीं कह सकता, जिन्होंने भी फोटो देखे हैं गोविंद बल्लभ पंत के, कि उनमें और आप में कोई फर्क था, तो बड़ा सुखद अनुभव था। और आपके रास्ते पर चलते चलते जब गांधी कुटीर का उद्घाटन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री ने किया, तो मैं भी अहमदाबाद में था, और मैंने उस डिब्बे में जो आपने क्रिएट किया होगा संभवतः, वो बड़ा अद्भुत कंसेप्ट है, वहाँ ट्रेन का डिब्बा है, रेल का डिब्बा, जी रेल का डिब्बा है जिसमें गांधी जी सफर करे, वो वही भाव देता है कि हम उसी ट्रेन में बैठे हैं जिस ट्रेन से गांधी जी को उतार करके फेंका गया होगा। और उसमें एक बहुत छोटा सा एक वीडियो चलता है वहां पर, उस वीडियो के मेरे पास फिल्मिंग भी है, उस म्यूजियम के बहुत सुंदर फोटोज हैं मेरे पास। बल्कि एक बात मैं बता दूं कि वो जो आपने क्रिएट किया है दांडी मार्च का दृश्य जो है वहां पर, गांधी हैं और बहुत सारे लोग पीछे हैं,
उसके कम से कम 50 फोटो मेरे पास है इस समय भी। क्या बात। और मेरा ये यूट्यूब चैनल था उसका लोगो मैंने वहीं से बनाया हुआ था। वाह वाह, क्या बात। तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि वह व्यक्ति, और मैं ये कहता था कि हिंदुस्तान में इस तरह का म्यूजियम का कंसेप्ट कहीं नहीं है जो मैंने वहां देखा, क्योंकि वो सब एक तो वो उस म्यूजियम की जो शेप है, जैसा कि उस समय हमको बताया गया था, वो ये था कि जिस तरह से नमक के ढेर हुआ करते थे, गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, नमक कानून तोड़ा था, और उसके आधार पर वो म्यूजियम की शेप बनाई गई है जो जिससे लगता है कि ये नमक सत्याग्रह से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो भारत के अद्भुत म्यूजियम्स में से एक है। और फिर आपने बात कर दी बनारस की, तो पिछले 4 साल से बनारस जा रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिला है कि विश्वनाथ मंदिर के अंदर फिल्मिंग करने का और फोटोग्राफी करने का। वाह वाह वाह। तो एक एक हमराही को सुनकर के और विचारों में इतने खुले खुलापन हो, इतना व्यक्तित्व, इतना क्रिएटिव हो, निसंदेह किसी भी व्यक्ति के लिए आज का ये अनुभव है, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अतुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस एक एनलाइटन रास्ते पर ले जाने के लिए। और ललित आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया और इसी तरह के आयोजन करते रहिए। निसंदेह हम सत्यु साहब को सुनने के लिए प्रतीक्षा करेंगे और वो सब लोग जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ यहाँ से कुछ जरूर बहुमूल्य यादें लेकर के जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।